This is first year lecture. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. बात हमारी पहुंची थी कि प्यारे पैगंबर आले सलातो वसलाम मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंच चुके हैं और अहले मदीना ने आले सलातो वसलाम का बड़े जोश और खरोश के साथ और मोहब्बत के साथ जो है इस्तकबाल फरमाया, इस्तकबाल किया। मदीना पहुंचने के बाद मुसलमानों को एक जगह मिल गई जहां पर वो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जिंदगी बसर कर सकते हैं, या यूं कह लीजिए कि बहसियत मुसलमान जो अल्लाह जलालुल इकराम की तरफ से जिम्मेदारियां थी मुसलमानों पर और जिस अंदाज से उनसे मुतालबा किया जाता था इबादत करने का, उसमें अब उन्हें आज़ादी मिल गई है और अल्लाह की इताअत फर्मा बरदारी के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए मुसलमानों को एक नई जगह मिल गई है जहाँ पर वो आज़ादी के साथ, सुख के साथ जो है अल्लाह को जलाली इकराम के फरामीन पर अमल कर रहा है। आप अलैहिस्सलाम जब मदीना पहुंचे तो आपने कुछ अहम काम किए जिनमें से एक सबसे अहम तरीन काम यह था मस्जिद नबी की तामीर, कि मुसलमान एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, मरकज उनको जमीन उनको चाहिए थी मिल गई है, अब एक जगह ऐसी चाहिए जहां पर वो अल्लाह की इबादत कर सके, उसके लिए मस्जिद की तामीर जरूरी थी। तो जब ऊटनी, जब आप मदीना में दाखिल हुए थे तो आप अलैहिस्सलाम की ऊटनी चलते चलते एक ज़मीन पर बैठी थी, फिर वहाँ से उठकर फिर दोबारा चल पड़ी थी। वो जो जगह थी उस जगह पर आप अलैहिस्सलाम ने जो है मस्जिद नबी की तामीर की। वो ज़मीन दो यतीम बच्चों की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनासिब कीमत देकर उस ज़मीन को ख़रीदा और फिर उस पर तामीर की। तकरीबन 100 हाथ लंबी और 100 हाथ चौड़ी, यानी चौरस शक्ल में आप अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबी को तामीर फरमाया। मस्जिद नबी की तामीर जहां सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन मशगूल थे, सहाबा इकराम गारा मट्टी तैयार कर रहे थे, ब्लॉक लेके आ रहे थे, पत्थर और ईंट जमा करके उनसे दीवारें तामीर करना, छत बनाना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा इकराम के साथ खुद भी यूँ कह लें कि मजदूरी कर रहे थे, यानी वो काम जो सहाबा इकराम कर रहे थे आप अलैहिस्सलाम भी उनके साथ शामिल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया वल मुरसलीन, आपके दौर में अगर कोई दूसरा नबी भी आ गया तो अल्लाह के उसूल के मुताबिक, फरमान के मुताबिक और हुक्म के मुताबिक वो नबी आके अपनी रिसालत के मुताबिक तालीम नहीं दे सकता किसी को, बल्कि वह खुद पाबंद है इस बात का के वो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की रिसालत को कबूल करें और आपकी इताअत में आ जाए। यानी जब कोई भी नबी, जैसे कि सूरह आले इमरान के तफ़सीर से बारे में मौजूद है कि कोई भी नबी अगर आएगा या किसी तो नबी के दौर में आप अलैहिस्सलाम मबूस होते तो वो नबी जो है अपनी नबूवत को छोड़कर यह कह लें कि उसकी नबूवत मंसूख हो जाती और अब वो पैगंबर अलैहिस्सलाम का उम्मती बन जाता। खैर, कहने का मकसद आप अलैहिस्सलाम इतने बड़े मकाम के हामिल,
खातम अल अंबिया वल मुरसलीन, आप की मोहर के बगैर कोई भी शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता या उसकी इबादत कबूल नहीं हो सकती। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी आप अलैहिस्सलाम सहाबा इकराम के साथ मिलकर वो काम जिसे हम अपने लिए मायूब समझते हैं, कारा पट्टी उठाना, ब्लॉक लगाना, ये सारी चीज़ें करना हम अच्छा नहीं लगता हमें, लेकिन आप अलैहिस्सलाम इस काम में शरीक हुए और आप सहाबा इकराम के साथ मिलकर आपने भी ये काम किया। ये आरजी इनकी सारी की दलील है। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस अमल से हमें सिखाया कि आदमी कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन उसे मुनकसिरुल मिजाज ही रहना चाहिए, उसके अंदर आरजी और इनकी सारी रहनी चाहिए, क्योंकि यही उस इंसान की खूबी है। अगर इनकी सारी उससे बाहर हुआ, आरजी नहीं रही, वो शख्स जो है तकब्बुर का शिकार हो जाता है और तकब्बुर करने वाला शख्स अल्लाह को नापसंद। तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपने अमल से हमें आरजी और इंकसारी सिखाई। आपके साथ जो है सहाबा इकराम की जो है वो तामीर कर रहे हैं, और यहाँ पर एक बात और लिखी है कि महाजरीन और अंसार रजस पढ़ते जा रहे थे, अशार गा रहे थे, यानी ऐसे मौक़ों पर, ख़ास मौक़ों के ऊपर अरब जो है उनके यहाँ एक रिवाज था कि वो मौका महल की मुनासबत से अशार पढ़ा करते थे, उससे उनको काम में थोड़ा सा और हिम्मत मिलती और वो और बलबले के साथ काम किया करते थे। तो इस वजह से यहाँ पर भी, और चूंकि उन अशार के अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी जो खिलाफ शरा हो, इसलिए आप सलाम ने भी मना नहीं करवाया। इसका मतलब यह हुआ कि वो अशार या ऐसी नज़में जिनके अंदर खिलाफ शरा बात नहीं है, शिरकिया बात नहीं है, कोई ऐसा जुमला या कलमा नहीं है जिससे अल्लाह जलाल इकराम की नाराज़गी का सबब बने, तो ऐसे अशार और अबियात कहे और पढ़े जा सकते। बहरहाल मस्जिद नबी की तामीर की छत जो है वो खजूर के तनों से और खजूर के पत्तों से जो है छत बनाई, और मस्जिद नबी की तामीर के बाद जैसे कि आप हदीस में भी पढ़ चुके हैं, अब मसला था कि नमाज का ऐलान कैसे किया जाए, और यह आप मोहम्मद अब्दुल हकाम के अंदर यकीन पढ़ चुके होंगे अजान के बाब में कि किस तरीके से अजान के बारे में जो है वो अजान मसनून हुई, क्योंकि वो ये रहा था कि मस्जिद भी तामीर हो गई, इबादत भी शुरू हो गई, कोई पहले आ रहा है कोई बाद में आ रहा है, तो एक जगह एक वक्त में इकट्ठे हो जाए और इकट्ठे होकर एक वक्त में इबादत करें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इकट्ठे इबादत करने से ही इज्तमाईयत कायम होगी। एक वक्त में जब सब आएंगे तो अफरा तफरी नहीं रहेगी, और यही चीज इस्लाम में मतलूब है कि इस्लाम अफरा तफरी नहीं चाहता बल्कि इज्तमाईयत इस्लाम को मतलूब है कि इज्तमाईयत बरकरार रहनी चाहिए। इसलिए बाज़ दफ़ा बहुत सारी चीज़ों बहुत सारी जगहों पर जो है इस्लाम ने हमें, जैसा कि आता है कि इस्लाम ने हमें इस बात की तारीफ की है कि अगर कोई हाकिम जुल्म भी करता है उसके जुल्म को सह लेना चाहिए, क्यों? ताकि इज्तमाईयत बरकरार रहे, अफरा तफरी ना पैदा हो, ठीक है, इज्तमाईयत जरूरी है इस्लाम के अंदर। उसी इज्तमाईयत को बरकरार रखने के लिए अजान मुआरज़ वजूद आई, और पहले जो है वो अस्सलातु जामियातुन कहकर आवाज़ लगाई जाती थी, जब पहले अजान के यानी आने से पहले, अजान से पहले, मसनून अजान से पहले अस्सलातु जामियातुन कहकर आवाज़ लगाई जाती, होता क्या था कि इस तरीके से मुसलमान जो है वो इकट्ठे मस्जिद में हो जाते और नमाज अदा करते। फिर उसके बाद जो है अब्दुल्ला बिन ज़ैद अब्दुर्रबी ही जो है अंसारी सहाबी, उन्होंने वो ख्वाब में अजान के बारे में बताया गया और वो अजान सुनाई गई, फिर उन्होंने आके आबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, आपने फरमाया कि ये ख्वाब सच्चा ख्वाब है, मतलब जो अल्फाज अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने ख्वाब में सुने थे अजान के, वही अल्फाज जो है आबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन्हीं आप अल्फाज के साथ अजान दी जाएगी। फिर वो अजान जो है बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बिलाल हबशी कौन? गुलाम दर गुलाम सहाबी, शक्ल सूरत के अतबार से इंतहाई बदसूरत, काला इंसान, ठीक है, अफ्रीका का रहने वाला, जिसके आबाओ जिसके खानदान का पता नहीं है, पता नहीं कब से जो है वो गुलाम दर गुलाम वो आगे बिकता आया है, ठीक है,
कहाँ से आया, कौन है, क्या है, रिश्तेदारों के बारे में कोई मालूम नहीं है। ऐसा शख्स दुनिया की नज़र में कोई अहमियत का हामिल नहीं, दुनिया उसको को नहीं पूछती है कि पता नहीं कौन है, कहाँ से आया, हमको उस पर एतबार करें, भरोसा करें। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ईमान की वजह से, ईमान बिल्लाह की वजह से अल्लाह जलाली वलिकराम ने क्या मकाम दिया कि इस शख्स को, इस शख्स को मस्जिद नबी का मौसिन का मुकर्रर कर दिया, शख्स को मस्जिद नबी का मौसिन मुकर्रर कर दिया कि क्या एजाज जलाली वलिकराम की तरफ से जो है को। और अजान कहना कोई छोटी बात नहीं है, अजान कहने वाले शख्स का अपना एक मकाम है, कल क़यामत के दिन उनका एक अलग एक मकाम होगा। और अजान कहने वालों के, जैसे के पास रिवायत के मुताबिक कि अजान कहने वालों की गर्दनें लंबी होंगी, मतलब वो दूर से नजर आएंगे कि जी ये अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिदों में आवाज़ लगाया करते थे, यानी अजान कहा करते। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है मौसिन मुकर्रर किया गया और उन्हें वो अजान सिखाई गई। उसके बाद फिर बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद नबवी में अजान देना शुरू कर दिया। उसके बाद जो दूसरा काम हुआ, एक काम तो मस्जिद नबी की तामीर, फिर मस्जिद नबी में लोगों को इबादत के लिए जमा किस तरह से किया जाए उसकी सूरत, और तीसरी चीज मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान मुआखात, भाईचारे की आपस में इनको एक दूसरे का भाई मुकर्रर कर दिया गया, आपस में भाईचारे की पैदा कर दी गई। मुहाजरीन वो लोग थे जो दूसरे शहर, इलाके, मोहल्ले, गांव छोड़ छोड़कर मदीना में जमा हो रहे, और अंसार वो लोग थे जो मदीना के रहने वाले लोग थे जिन्होंने इन मुहाजरीन को खुशामदेद कहा और इनकी खिदमत की। अंसार ने भी खिदमत में कसर नहीं छोड़ी, अंसार ने भी मुहाजरीन की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी, और इस खिदमत के नतीजे में मुहाजरीन ने भी अंसार को कभी दुख नहीं दिया। कभी ऐसा नहीं है कि अब उनको फ्री की एक जगह मिल गई है, मुहाजरीन को, मुसलमानों को, अब उस जगह आकर फायदा उठा रहे हैं, वहां के रहने वालों को तकलीफ दे, नहीं, आप सलाम ने उनके दरमियान भाईचारगी पैदा कर दी। जैसे कि सूरह हशर के अंदर भी मौजूद है, वल्लदीन तबव्वउ अद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजर इलैहिम वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतन मिम्मा ऊतू वयूथिरूना अला अन्फुसिहिम वलव काना बिहिम ख़ासिसा। इस आयत का मफ़हूम क्या है? मफ़हूम यह है कि जो लोग ईमान कबूल करते और मदीना में आकर रहना शुरू कर दिया, तो जो मदीना के लोग थे मेज़बान यानी अंसार, इनको कभी भी इन मुहाजिरीन के आने पर कभी तंगी महसूस नहीं, कभी इनके माथे पर सलवट नहीं आई, लो जी अब ये आ गए हैं, अब हम परेशान हो गए, हम खाएंगे कहाँ से, हम कहाँ रहेंगे, नहीं, खुशी के साथ जो है इनको खुश आमदेद कहा और इनके इस्तकबाल किया। ना सिर्फ ये कि इस्तकबाल किया, इनकी खिदमत भी की, इनकी खिदमत भी की। यही फरमाया कि वही सिरुन अला अनफुसिहिम वलो काना बिहिम ख़ासिसा, अपना ज़रूरी काम, ज़रूरी चीज़ें होते हुए भी कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अपने महाजिर भाइयों पर हर चीज़ को तरजीह, महाजिर भाइयों को तरजीह दी हर चीज़ पर, यानी अगर मेरी जरूरत ज्यादा थी लेकिन मैंने कुर्बान कर दी अपने महाजर भाई। आप ने फिर मजीद इनके अंदर मुआखात और मोहब्बत को जो है बढ़ावा दिया और एक दूसरे का भाई बना दिया, हत्ता के आपस में वरासत के हवाले से भी एक दूसरे को, कि ये आपस में एक दूसरे की वरासत के जो है हकदार है, वारिस है। वो अलग बात है कि ये वरासत के जो मामला थे ये बाद में आके मंसूख हो गए, जो शक्ल ये इस वक्त मौजूद थी, लेकिन उस वक्त हालात के हिसाब से जो ज़रूरत थी आप सलाम ने फैसला किया और आप सलाम ने जो है एक दूसरे का वारिस बना दिया। ताकि अच्छा ऐसा क्यों किया, एक दूसरे का वारिस बनाने की ज़रूरत क्या थी? माल हथियाना मकसूद नहीं था, बल्कि जब एक दूसरे का वारिस बनाया तो मतलब यह हुआ कि अब तुम एक हो, मुहाजिर और अंसार अलग अलग नहीं हो, दोनों एक हो। जिस तरीके से मैं अगर मैं अपने अपने घर में मैं अगर वारिस हूँ अपने वालिदैन का, तो मैं और वो हम एक हैं, हम बहन भाई एक हैं। तो यही मामला यहाँ पर था कि वारिस बनाने का मकसद बुनियादी तौर पर यह था कि तुम लोग अब एक हो, ठीक है,
तुम में से कोई एक अगर फौत हो जाता है तो दूसरा उसके माल का वारिस बन जाएगा। तो इस मुआखात को, मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, मजीद मजबूत करने के लिए आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा अमल किया। और कुर्बानी का आलम, कुर्बानी की मिसालें अंसार सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की, के अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु जब हिजरत करके आए, अब्दुर्रहमान बिन औफ से माल भी छीन लिया गया, उनकी सवारी छीन ली गई, उनके बाल बच्चों को उनसे छीन लिया गया, अकेले तने तनहा पैदल सफर तय करके आए, तो अंसारी साहबी साथ बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं अपने घर के सारे माल को आधा करता हूँ, दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ, आधा साथ बिन अपना अब्दुर्रहमान बिन औफ के लिए, आधा मेरा, मेरी दो बीवियां हैं, मैं एक को तलाक देता हूँ, ये उससे शादी कर। मतलब अंसार साहब असहाब ने, अंसार साहब कराम रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन ने भी कुर्बानी में कसर नहीं छोड़ी है, जहां तक हो सका है अल्लाह की रजा की खातिर। क्यों? जहन में इनके एक ही बात थी कि अल्लाह जलाल इकराम की रजा और खुशनुदी हासिल हो, और ये अल्लाह के साथ उनकी एक तिजारत थी, और ये ऐसी तिजारत है जिस शख्स ने अल्लाह के साथ तिजारत की वो कभी भी नुकसान में नहीं जाता है। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको दुआ देकर कि अल्लाह आपके माल में भी बरकत दे, आपकी आल आल औलाद में बरकत दे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बाजार का रास्ता बता दी, यानी महाजिरीन ने भी फिर फायदा नहीं उठाया कि जी ठीक है मुझे फ्री में मिलना ही। सहाबा किराम की कुर्बानी भी अपनी जगह है, साथ में महाजिरीन रज़ियल्लाहु अन्हु महाजिरीन सहाबा की भी जो है इज्जत अफजाई उनकी तरफ से अंसार के लिए मौजूद थी। खैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने माजरत कर ली दुआ देकर, तो उन्होंने बाजार का रास्ता पूछा, फिर उन्होंने बाजार का रास्ता दिखाया गया और वो चले गए बाजार की तरफ। इंशाल्लाह नमाज पढ़ा, ये बात कुछ नहीं हो, कोई सवाल जब तक बताऊंगे। I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. कुछ सवाल तो नीचे रहे थे पिछली क्लास में, और क्लास रुक के पड़ गई थी क्योंकि जाना था। हाँ ठीक है सही है। चलिए किताब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो गई है खत्म, तो अब हम कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, चीज़ों का रिवीजन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, साथ साथ एक और ऑप्शन है कि अगर कोई आसान हदीस या कुछ मिल जाए तो हम उसकी तरकीब भी देख सकते हैं। तो मुझे आप एक मिनट दें, मैं देख लेता हूँ बारे में। आप लोगों की गालिबन जो ग्रामर वाली किताब है उसके पीछे कुछ लिखी हुई है चीज़ें मेरे ख्याल। ये हमारे पास कुछ हदीस और कुरान से मश्क है आप लोगों की ग्रामर वाली किताब के बाद, तो हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक कुरान की उन्होंने आयत लिखी थी,
तो इसको हम लिखते हैं और इसको तर्जमा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला कुरान में एक जगह फरमाते हैं, ये शुरू में ये सूरह बकरा में खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम वअला ठीक है जी, खतम अल्लाह अला कुलूबिहिम वअला समाइहिम वअला अबसारिहिम गिशावा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये जो एक जुमला है, इसको कुरान की आयत तो है, इंशाल्लाह हम इसको अरबी की तरह देख रहे हैं, तो जैसे हम पढ़ते हैं चीजें, अभी तक किताब पढ़ रहे थे वैसे ही देखेंगे। तो ये जो जुमला है, ये शुरू किस चीज से हो रहा है? फेल से। कौन सा जुमला हो गया? जुमला फेलिया। खातामा जो है ये फेल होता है, खातामा। और ये एक निशानी भी है कि जो फेल होते हैं ना कुरान के अंदर या वैसे भी अरब जबान के अंदर, उनका फहाला का वजन जरूर होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, कुछ औजान होते हैं फहाला फाइला फाउला, ये तीन वजन से फेल माजी आते हैं, फहाला फाइला फाउला। तो अगर ऐसे कुछ आ रहे हैं तो वो फेल होगा। तो खातामा, खातामा का मतलब मोहर लगाना, बंद कर देना किसी चीज को, सील कर देना, बंद करना। तो खतमा फेल है, अल्लाहु फाइल है। ठीक है, खतम अल्लाहु फाइल है, तो फाइल का क्या एराब होता है? मरफू होता है। इसका रफा कैसे आएगा? पेश से आएगा, जम्मा से आएगा। तो खतम अल्लाहु, अच्छा ये जो है ना, ये फेले लाजिम है। फेले लाजिम और मुतअद्दी का फर्क पड़ा है आप लोगों ने यहाँ पे? ठीक है, अच्छा कुछ फेल होते हैं जिनको मफूल चाहिए होता है, कुछ होते हैं जिनको मफूल नहीं चाहिए होता, इवन फेल में से जिनको मफूल की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जरा मुझे बताएं जुमला फेलिया का स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? फेल फाइल मुतअल्लिक और मफूल, ये चार चीजें आ सकती हैं। वो फेल जो मफूल नहीं चाहते उनमें मफूल नहीं आ सकता, तो उनमें बाकी फेल फाइल मुतअल्लिक आएगा। मुतअल्लिक कैसे आता है? रखे हुए जारी या जर्फ होगा, इसमें से एक चीज होगी। तो खत्म फेल अल्लाहु फाइल आला कुलूबिहिम, इसको बताएं कैसे पढ़ेंगे? आला कुलूबिहिम, बाकी नीचे जेर आएगी, जेर की वजह आला की वजह से। कुलूबुहुम का क्या माना होता? उनके दिल, आला कुलूबिहिम उनके दिलों के ऊपर। तो ये है इस फेल का मुतअल्लिक कि अल्लाह ताला ने मोहर लगाई, ये फेल हो गया, खत्म, बात पूरी थी। लेकिन मैं मजीद मालूमात दे रहा हूँ कि वो मोहर लगाना कहाँ था? आला कुलूबिहिम, उनके दिलों पे। वाला समाइहिम, ये एक मुतअल्लिक फिर दूसरा मुतअल्लिक आ रहा है। अल्लाह ने उन मोहर जो लगाई उनके दिलों पे लगाई, और समाइहिम समाअत जो होती है ना, समा एक आदमी का सुनने की सलाहियत, तो अल्लाह ताला ने उनकी समा पे मोहर लगा दी कि अब वो सुन नहीं पा रहे। तो खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम वहाला समिहिम, और उनकी सुनने की सलाहियत पे भी मोहर लगा दी। आगे कोई बताएगा क्या होगा? वहाला अबसारिहिम, ये एक और मुतअल्लिक हो गया जी, ये मुतअल्लिक नहीं होगा, इसको एक सेकंड के लिए फर्ज कर लेते हैं मुतअल्लिक है। गिशावत उन क्या होगा? गिशावत उन क्या होगा? मुब्तदा खबर क्या? नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं, अगर इसको इस फेल का मुतालिक समझ लेते हैं एक सेकंड के लिए, तो गिशावत उनको क्या बोलेंगे जी? कुछ माना ही नहीं बन पाएगा। तो जरूरी है, आपका जुमला यहाँ पे एंड हो गया। फिर वो जो कुरान है ना, उसमें यहाँ पे ना वो तीन नुक्ते या कुछ लगा हुआ होता है कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रुके, वहां पे ना रुके। यानी खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम वअला समाइहिम वअला अबसारिहिम, यहाँ पे वक्फ नहीं करना, ऐसे वक्फ नहीं करना है। तो यहाँ कर ले, पूरा एक साथ पढ़े या पूरा एक साथ पढ़े? ठीक है,
ये हिस्सा एक साथ होना है, वरना ऐसा लगेगा कि शायद आपने अजीब सा पढ़ दिया कि खत्म अल्लाह आला कुलूबिहिम वाला समाईहिम वाला अबसारिहिम। सुनने वाले समझेगा सब जगह आंखों पे भी मोहर लग गई, फिर वो सुनेगा गिशावतुन वलहुम अज़ाबुन अलीम, ये क्या मतलब? ठीक है, तो ऐसे नहीं होगा। खत्म अल्लाह आला कुलूबिहिम वाला समाईहिम, अल्लाह ने मोहर लगाई, जुमला फेलिया खत्म। अब आपके पास एक नया जुमला शुरू हो रहा है, और वो शुरू हो रहा है आपका जुमला इस्मिया, जिसमें आपकी ये खबर हुई है मुकद्दम और ये है मुब्तदा मौखर। मुब्तदा के लिए असल क्या है कि वो मारिफा आएगा, मुब्तदा की असल ये है कि वो मारिफा आता है। अगर उसने कभी नकेरा आना हो तो उसमें ताखीर जरूरी होती है, कभी भी मुब्तदा नकेरा शुरू में नहीं आ सकता। अगर शुरू में है मुब्तदा तो वह हमेशा मारिफा होगा। कभी कभार जब लाना पड़ता है उसको नकेरा तो उसको हम मौखर करते हैं। तो गिशावतुन आला अबसारिहिम, और ये जो वाव है ये जुमले की पे अतफ है कि मिसाल के तौर पे अल्लाह ने उनके दिलों पे मोहर लगा दी है, उनकी सुनने की सलाहियत पे मोहर लगा दिया और उनकी आंखों पे पड़ते हैं। तो ये और दो जुमलों को जोड़ रहा है आपस में, इसका अतफ ये इनके साथ अतफ नहीं कर रहा, ये वाला अतफ था मुतअल्लिक का, आला कुलूबिहिम के साथ अतफ हो रहा था आला समाईहिम का। ठीक है, यहाँ पे जो वाव है ये मुतअल्लिक का आतिफ नहीं कर रहा कि आला समाईहिम इस पे वत्फ हो रहा है, ये इस पूरे जुमले का आतिफ कर रहा है जुमले फेलिया के साथ कि अल्लाह ने मुहर भी लगाई और उनकी आंखों पे पर्दे भी हैं। ठीक है, तो वाला अबसारिहिम गिशावतुन, ये आपका बनता है मुब्तदा मुअख्खर और खबर मुकद्दम। जुमला जो है ना, एक जुमला हमारे पास है वो या तो इसम से शुरू होगा या फेल से शुरू होगा, अच्छा जुमला फेलिया होगा या जुमला इस्मिया होगा। ठीक है, कभी कभार जैसे इस सूरत में जुमला किससे शुरू हो रहा है, हर्फ से शुरू हो रहा है, वैसे आला हर्फ है, वाव भी हर्फ है, वाव तो बाहर है ना, आला हर्फ है, मुमकिन ही नहीं है हर्फ से शुरू हो, तो फिर हम उसको कैसे समझते हैं? हम कहते हैं हर्फ जो है ना ये अपनी जगह से हटकर आया हुआ है, उसूलन ये खबर थी ना इसको बाद में आना था, असल मकाम इसका बाद का था, लेकिन ये पहले हटकर आया हुआ है, तो हम अभी भी यही बोलेंगे जुमला इस्मिया है और ये मुब्तदा से ही शुरू हो रहा है और ये मुब्तदा ही कहलाया जा रहा है कि इसी से इब्तदा हो रही है, बस वो स्ट्रक्चर में कभी कभार एक कोई चीज आगे पीछे हो जाती है। ठीक है, जिस तरह इसमें हम बोलते हैं ना कि अताखीर मा हक्कुहु तकदीम युफीदुल हसरा, कि उस चीज को आगे करना जिसका पहले आने का हक था वो हसर कलाम में पैदा करता है। जी ठीक है, यानी तो इसमें माना क्या होता है, कुरान की इसमें तो इतना हसर नहीं आ रहा, लेकिन हसर कहते हैं सिर्फ का माना पैदा करना, अरबी में आपने सिर्फ का माना पैदा करना है ना, आपने मुब्तदा को आगे पीछे करना पड़ेगा। जी लहू दावतुल हक, मैं बोलता दावतुल हक की लहू, इसका माना होता हक की दावत उसी की है, यानी हक की पुकार उसी की है, हक की पुकार उसकी है, दावतुल हक की लहू, हक की पुकार उसकी है। मैं कहता हूँ लहू दावतुल हक, मैंने कहा लहू उसी की है दावतुल हक, तो मैंने क्या करना था, हसर करना था कि दावतुल हक सिर्फ उसी की है, तो इसके लिए मैंने दावतुल हक पे हसर करना था ना, उसको अकेला करना था, सिर्फ उसके साथ लगाना था, तो मैं उसको बाद में ले आया। दावतुल हक की लहू को क्या कर दिया, लहू दावतुल हक। ठीक है, अईना जहाबा अबू की या लैला, इसमें मैंने क्या कहा था, जी हाँ इसमें भी मैंने ये कहा था कि आया था अईना जहाबा अबू की या लैला, तो वहां जो अईना था वो कुछ लोगों ने कहा कि क्योंकि अईना आया हुआ है तो ये तो इसम है तो ये जुमला इस्मिया हो गया, लेकिन असल में वो जो अईना था ना वो आपके फेल के बाद आना था उसने, और उसने फेल के बाद आपका देना था मकान का फायदा, कि सवाल में आप कह रहे हैं जहाबा गया कहाँ, वो जगह का सवाल आ रहा था, तो इसलिए हम उसको बस पहले ले आए कि वो अंदाज अरब का ऐसे वो रहा जुमला फेलिया इस्मिया ही, और आईना मुब्तदा नहीं बना और कोई भी मुब्तदा नहीं था उस जुमले में, वो जुमला फेलिया ही था। ठीक है, वहाला अब सॉरी है गिशावा, उनकी आंखों पर बसारत पे पर्दा है, गिशावतुन मुब्तदा है ना तो इस पे लग गया, वलहुम आजाबुन अलीम, और उनके लिए आजाबुन अलीम
इसमें मुब्तदा खबर जी बताइए, सिफ्त मौसूफ, मौसूफ सिफ्त, ये क्या है जुमले में? मुब्तदा मुअख्खर और ये खबर मुकद्दम, और ये वाव जो है ये एक तीसरा अदफ आ रहा है जुमले पे। पहला जुमला खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम वअला समाईहिम, दूसरा जुमला अला अबसारिहिम गिशावा, तीसरा जुमला लहुम अज़ाबुन अलीम। तो इन तीनों को अतफ करने के लिए हम दो दफा वाव लेकर आए बीच में। तो अज़ाबुन अलीमुन लहू, लहुम उनके दर्दनाक अज़ाब उनका है। अभी जो है ना लहुम अज़ाबुन अलीम, इसका हम तर्जमा आप देखें, बस उन्हीं के लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो वो बस उन्हीं के लिए का माना ऐसे आ रहा है क्योंकि असल में मुब्तदा था और इसने पहले आना था। तो अल अज़ाबुल अलीमी लहुम, अल अज़ाबुल अलीमु लहुम, इस तरह आना था। लेकिन हम उसको क्या कर दिया, हमने बाद में ले आए, उसने पहले आना था, जिसका हक था पहले आने का उसमें ताखीर कर दी। तो हमें कलाम में हसर मिला कि बस अब ये जो अजाब है, दर्दनाक अजाब है, ये इन्हीं का है उसकी। अच्छा एक सवाल है कि लास्ट तरकीब जो की थी क्वेश्चन 14 का वो पूछ रहे हैं, सैयारती लौनुहा अखबरु, सैयारती लौनुहा अखबरु, ठीक है पहले तो बताएं जुमला कौन सा है, इसमें है सैयारती बनता है आपका मुब्तदा, क्योंकि आप देखें ना इसका तर्जुमा क्या होगा, मेरी गाड़ी जो है उसका रंग हरा है, ठीक है। तो मुब्तदा तो गाड़ी ही बन रही है, गाड़ी के बारे में बता रहे हैं। अब ये मुब्तदा की खबर क्या है, ये जो है ना लौनुहा अखबरु, ये पूरा जुमला इस्मिया है, ठीक है। लौनुहा अखबरु क्या माना होता है, उसका रंग हरा है, ये पूरा जुमला इस्मिया है, ये पूरा का पूरा जुमला इस्मिया आपके इस पूरे जुमले की खबर बनता है। तो सैयारती मुब्तदा, लौनुहा अखबरु उसकी खबर, लौनुहा अखबर अपने आप में क्या है, वो खुद जुमला इस्मिया है जिसमें लौनुहा मुब्तदा और अखबरु खबर है, ठीक है जी। उम्मीद है वाज़े होगी ये बात जी। जी लौनुहा मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। जी एक सेकंड दे, मैं कुरान में देख लेता हूँ कि कोई हमें कोई और मजीद आयत मिलती है, हम उसको भी देख लेते हैं। लौनुहा, लौनुहु, लौनुहु, अरे बार इसी पे आ जाते हैं, इसे ढूंढने में भी वक्त लगेगा। हदीस है अल्लाह के नबी की, सही में यहाँ तो आप लोगों को नजर आ रहा नहीं होगा, हाँ वो मैं कर रहा हूँ जूम, लेकिन आएगा नजर, मैं ऑनलाइन वालों के लिए तो शेयर कर लूंगा ना इसको, आ रहे नजर पीछे खवातीन में भी ये नजर आ रहा है, बुक में है, ठीक है। जिनके पास बुक है वो बुक में भी देख लें, जिनके पास नहीं है वो यहाँ देख लें, मैं जूम पे भी शेयर कर रहा हूँ जी। पुराना पेपर मुझे पूछना पड़ेगा, मेरे पास फिलहाल है नहीं। अल मुस्लिमु मन सलीम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कौन सा जुमला लग रहा है, इस्मिया। अगर जुमला इस्मिया किसी मारिफा इस्म से शुरू हो जाए तो वो मारिफा इस्म क्या होगा, मुब्तदा होगा उसका, मुब्तदा मारिफा होता है ना, यानी मुब्तदा ने जब नकेरा होना था तब आगे जाता है, अगर शुरू में मारिफा ही लेकर आए तो मुब्तदा ही होगा। तो अल मुस्लिम, मुसलमान कौन है, अल मुस्लिम,
मुक्तदा है अल मुस्लिम, मुसलमान के बारे में बता रहे हैं कि मुसलमान। अल मुस्लिम ठीक है, ये आपका आ गया मुक्तदा। ठीक है, इसके बाद हमारी शुरू होती है इसके अंदर खबर। ठीक है, खबर क्या है, बाकी सारा का सारा। मन सलीमा अल मुस्लिमून, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हैं। सलीमा अल मुस्लिमून क्या माना होना, सलीमा है फाइला के वजन पे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा फाला फाइला फाउला, ये तीन वजन होते हैं फेल के, तो सलीमा है तो फेल होगा। सलीमा होता है सलामत, सलामती के लिए। सलाम भी जैसे हम कहते हैं ना, तो वो सलाम भी सलामती के माने में होता है, और वैसे सालिम या सलीम या सलीमा कहते हैं सलामत है, महफूज रहना। ठीक है, यानी टूटी हुई चीज ऐसी होती है ना, मकसूर होती है, सुना एक जुड़ी हुई सही साबुत चीज सलीम कहलाती है, सालिम। इस तरह कहते हैं जमा मुजक्कर सालिम, तो उस तरह अल मुस्लिम। ठीक है, उसके बाद आपके पास है सलीमा, मन को फिलहाल छोड़े, सलीमा अल मुस्लिमून। सलीमा क्या है, फेल है, माना क्या है, महफूज है। अल मुस्लिमूना मुसलमान, सारे मुसलमान। सलीमा अल मुस्लिमूना मुसलमान मुहाफिज हैं, मुसलमान महफूज हैं। ठीक है, सलीमा होते हैं महफूज रहना, सलामत रहना, तो सलामत है मुसलमान। सलीमा अल मुस्लिमूना सलामत है मुसलमान, सलामत रहे मुसलमान, माजी है ना, तो सलामत रहे मुसलमान। फेल फाइल। ठीक है, ये जो मन है ना, जी जी हमने पढ़ा था ना, क्या कहते हैं, एक सेकेंड, वैसे तो है जैसे अल्लदी हमने पढ़ा था, मैं कुछ और सोच रहा हूँ सर, अल्लदी पढ़ा था ना, बस दफा अल्लदी की जगह ना बस मन आ जाता है, और ये अल्लदी के मकाम आया है, तो इसको आप लिखें मन, पढ़ना है इसको अल्लदी की तरह, अल्लदी की तरह, एक लाम है दो लाम। ठीक है, अल्लदी की तरह इसको पढ़ना है, माना लिखना पढ़ना मन है, माना अल्लदी वाला है, तो अल मुस्लिम अल्लदी सलीम अल मुस्लिमून। ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसका मुबतदा खबर छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछना चाहे तो वो मुझसे वैसे बाद में पूछ सकते हैं, मैं फिलहाल इस क्लास में नहीं रहूंगा वहाँ, वरना वो कंफ्यूज कर देगा बाकियों को जिनको इतनी अच्छी ग्रिप नहीं हुई है। बहरहाल मन का मतलब कौन होता है, जो मन का एक माना होता है जो, अभी तक किताब में तो नहीं पढ़ा हमने ना, किताब में कौन पढ़ा है बस जो। ठीक है, मन का माना है जो, सलीमा अल मुस्लिमून सलामत रहे मुसलमान, मिन लिसान कहते हैं जबान को, तो उसकी जबान कैसे बोलेंगे, लिसा नहीं, अल मुस्लिम मुसलमान कौन है, मन सलीम अल मुस्लिमून मिन लिसानी ही व यदी ही, यद हाथ को, उसका हाथ यदी ही, तो मन सलीमा जो मुसलमान कौन है, जो सलामत रहे मुसलमान बाकी उसके जबान से और उसकी हाथ से, उसके हाथ से। ठीक है, ठीक, आगे एक हदीस है, अद्दीनु अन्नसीहा। अच्छा, मुझे लग रहा था कि ये इन्होंने किताब में ये लिखे हैं पीछे, तो ये थोड़ी आसान होंगी, लेकिन ये सब में किताब से बाहर की ग्रामर जा रही है। बहरहाल पढ़ लेते हैं, अद्दीनु अन्नसीहा, अद्दीन अन्नसीहा। ठीक है, बाज दफा ना जो आपकी खबर होती है वो भी मारिफा आ सकती है, मुब्तदा ने तो हमेशा मारिफा ही होना है, अगर उसको नखरे लेंगे तो आगे करना पड़ेगा, कभी कभार खबर भी मारिफा हो जाती है। ठीक है, तो ये हदीस का, और उससे क्या होता है, कलाम में हसर पैदा होता है दोबारा, कि सिर्फ का माना, मिसाल के तौर पर कहता है दीनु नसीहत, नसीहत कहते हैं भलाई को, खैर ख्वाही। ठीक है, दीनु नसीहत क्या माना होगा, दीन खैर ख्वाही है, भलाई है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं अद्दीनु अन्नसीहत, दीन है ही नसीहत। ठीक है,
दीन है ही नस्बी, अब मैं उसको मारिफा करके ला रहा हूँ। तो बाज दफा हम खबर को भी मारिफा ले आते हैं, इस तरह कुरान में आता है ना। अच्छा ये आप लोगों की क्लास एग्जाम में नहीं आएगा इस तरह का कोई चीज, फिलहाल आपके लिए खबर नकेरा होती है और सारा कुछ वैसा ही है। ये तो सिर्फ बस हम क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं इसको तो हम पढ़ रहे हैं। वैसे इंशाल्लाह जब आप लोगों की बुक टू खत्म हो जाएगी ना तो फिर बहुत हद तक चीजें आ जाएंगी, जब अगली वाली किताब खत्म होगी ना तो फिर ये चीजें आसान हो गए इनको बताना कि क्या होता है। पर अद्दीन व अन्नसीहत, दीन है ही नसीहत। तो पर हदीस में आता है कुलना लिमन, हमने कहा नसीहत खैर भाई किसके साथ, तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया लिल्लाह, माना अल्लाह ही के लिए। क्या कौन सा मुरक्कब है, मुरक्कब जारी लिल्लाह ही वली किताब ही उसकी किताब के साथ, यानी अल्लाह के साथ खैर फाई। अल्लाह ताला के साथ खैर फाई ये नहीं कि हम कोई अल्लाह ताला को हमारे खैर की जरूरत नहीं है, यानी अल्लाह की दीन की दुनिया में मदद और अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह ताला की जिक्र करना और जो अल्लाह ताला की जो मखलूक हैं उनके साथ अच्छे से पेश आना और जो भी मामला है कि अल्लाह ताला जैसे होता है ना कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा कदर अल्लाह हक्का कदरी ही, ये अल्लाह का कदर जो हक था ना कदर करने का इंसान वो नहीं कर सके, क्योंकि इंसान शिर्क भी करते हैं गुनाह भी करते हैं सब करते हैं। तो ये वो मुराद है कि अल्लाह के साथ खैर फाही यानी जो हक अदा करना है ना उसमें कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा हम अदा कर सकें अल्लाह का। वली किताब ही और उसकी किताब, किताब हो उसकी किताब, ली किताब ही उसकी किताब के लिए, किसकी किताब के लिए अल्लाह की किताब के लिए। तो ये जो हक की ज़मीर है जा रही है लिल्लाह की तरफ अल्लाह की तरफ। इस जुमले में मुब्तदा खबर कौन सा है, मेरे ख्याल में अल मुस्लिम मन सलीम में पूछ रहे थे, अल मुस्लिम मुब्तदा है, मन सलीम अल मुस्लिमूना बिल लिसानी ही व यदी ही पूरा का पूरा खबर है। अच्छा लिल्लाह वली किताबी वली रसूल ही और उसके रसूल के साथ। अच्छा अइम्मा कहते हैं जो लीडर्स होते हैं ना जो बड़े होते हैं, ठीक है अइम्मा इमाम भी कह लें, वैसे यहाँ पे ना मुराद लीडर है जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं ना, खलीफा हो गया ये जो भी आपका रूलर जो है ना आपके ऊपर हाकिम है वो मुराद है यहाँ पे। वली किताबी ही वली रसूली ही अइम्मा कहते हैं। अच्छा इमाम होता है जो सरबरा होता है, ये वैसे इमाम की जमा है, अरबी में इमाम की जमा होती है अइम्मा, जैसे हम कहते हैं ना इमाम अबू हनीफा इमाम शाफी इमाम मालिक और इमाम अहमद, लेकिन अब सबको कहते हैं तो कहते हैं अइम्मा अरबा, चार बड़े इमाम अइम्मा अरबा चार इमाम, तो इमाम की जमा होती है अइम्मा, ठीक है। तो ये वही अइम्मा है, अइम्मा अइम्मा कहते हैं उसको ना इमामों को। वैसे यहाँ अइम्मा से मुराद अगर से हम बाज दफा लेते हैं कि हमारे दीन के इमाम उलमा, यहाँ पे मुराद हुक्मरान है इसमें, तो अइम्मतुल मुस्लिमीन माना क्या होगा, मुसलमानों के हुक्मरान लि अइम्मतुल मुस्लिमीन और मुसलमानों के हुक्मरान के साथ, यानी दीन नसीहत है खैर ख्वाही है अल्लाह के साथ, अल्लाह की किताब के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ और मुसलमानों के हुक्मरानों के साथ। व आम्मतिहिम, आम्मा से मुराद है आवाम, ठीक है आवाम आम्मतिहिम, उनका जो आम फर्द है उनके लिए उनके साथ भी, अइम्मा के साथ भी जो हुक्मरान है और जो जिसपे हुक्मरानी की जा रही है वह आम है आम्मा है, ठीक है। तो वह आम्मतिहिम उनके आवाम के साथ, मुसलमानों के हुक्मरान के साथ भी खैर ख्वाही और उनकी जो मुसलमानों की जो आवाम है जो हुक्मरान नहीं है उनके साथ भी खैर ख्वाही और एक साथ अलग तरह के रूप है, ठीक है जी। तो ये हदीस भी हो गई। अगली आती है अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, अद्दुनिया मुब्तदा दुनिया सिजनुल मुमिन, सिजन कहते हैं कैद को, ठीक है जेल को, सिजन सिजनुल मुमिन मुमिन की जैद मुदाफ मुदाफी रही मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब इजाफी जो सिजनुल मुमिन है यहाँ पे मुब्तदा बन रहा है हमारा, तो खबर मुब्तदा था अद्दुनिया और खबर थी सिजनुल मुमिन, ठीक है। व जन्नतुल काफिर, ये जो खबर आई हुई थी ना सिजनुल मुमिन, इस पे आतफ लग रहा है कि वही दुनिया मुमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत, और यही ये काफिर जन्नतुल काफिर मुदाफ मुदाफी ही दोबारा आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये बताएं ये काफिर जो है ये कौन सी जमा है,
जमा मुकसर है, सॉरी जमा नहीं है, जमा नहीं है, माजरत, वाहिद है, वाहिद है, वो जी वो कुफार होता है, जन्नतुल काफिर। ठीक है जी, चले कुफार। ठीक, अच्छा जी अगले जुमले पर आते हैं, वाजे है ना, सुबहाना रब्बी अलअजीम। सुबहाना की जो है ना वो हम नहीं पढ़ सकते फिलहाल, कि उसकी अराब क्या है, काफी मुश्किल है। ठीक है, उसके लिए थोड़ी कुछ तो चीजें पता होनी चाहिए, अगर किसी को पता है तो। मिसाल के तौर पर हमारे पास होता है मफूल मुतलक, ये मफूल मुतलक बन रहा है, सब्बिहु सुबहाना रब्बी, तो उसका बन रहा है, तो जिनको पता है बता दिया, ये मफूल मुतलक है फेल सब्बिहु का, और वैसे फिलहाल हम इसको नहीं पढ़ सकते कि हमने फिलहाल वो ग्रामर नहीं पढ़ी हुई। सुबहाना पाक है, पाक है, पाक है को हमने सुबहाना को देख लिया, आगे काम कर सकते हैं। रब भी क्या माना, उसका रब कैसे बोलेंगे, उसका रब, तो रब भी मेरा रब, अल अजीमो, जी सुब सुबहाना रब्बी, मेर पाक है मेरा रब, अल अजीमु जो बहुत बुलंदी वाला है जी, अल अजीमु और रब्बी मौसूफ सिफार है। ठीक है, या जी सवाल है, एक सेकंड रुकिएगा, ये जी बोलिए सवाल क्या है। नहीं अच्छा वो जी जी वो जी बिल्कुल बिल्कुल मफूल मुतलक था वो, हाँ लेकिन मैंने उसको मफूल मुतलक नहीं बोला था, मैंने तो कुछ और बता दिया था, लेकिन मफूल मुतलक प्रॉपरली नहीं पढ़ा हुआ, होता क्या है। ठीक है, सुबहाना रब्बी अल अजीम, अजीम ही होता है ये, अजीम ही नहीं होता, अजीम ही होता है, इसको चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल में अजीम ही होता है। जी नहीं, नाम तो अलिफ लाम वाला है, लेकिन ये किसी और वजह से है, दरअसल होता क्या है, सुबहाना होता है आपके पास मुदौफ और रब्बी है मुदौफ इलैह। ठीक है, सुबहाना रब्बी, पाक है मेरा रब, ये थोड़ी अजीब सी बात लग रही है, लेकिन बहरहाल ये होता है मुदौफ मुदौफ इलैह, सुबहाना रब्बी। ठीक है जी जी बिल्कुल, सुबहाना रब्बी अल अजीम, पाक है सुबहाना रब्बी मेरा रब, अल अजीमी उसका मुदाफ इलैही रब्बी बना, और उसके बाद में आगे सिर्फ कि मेरा रब की सिर्फ क्या है, अल अजीम, तो वो भी जर के साथ आया क्योंकि उसकी सिर्फ बना है, उस पर भी जेर रहेगा, तो सुबहाना रब्बी अल अजीमी होगा। ठीक है आगे, समी अल्लाह लिमन हमीदा, कौन सा जुमला लग रहा है, जुमला फेलिया, समिया फेल, फाइल क्या है, अल्लाह, क्या माना होगा, सुन लिया अल्लाह ने, अब आ रहे मुतालिक, लीमन क्या माना, लीमन हमीदहू, जी मतलब इसको आप कह लें कि मन का माना आ रहा है जो। ठीक है, सुन लिया अल्लाह ने लीमन उसको, ठीक है हमीदा हो, हमीदा फेल है, हमीदा, ठीक है हमीदा हमारे पास है फेल, हमीदा फेल है, और हमीदा का माना होता है हम बयान की तारीफ की, हमीदा, उसके बाद आ रहा है उसका फाइल नहीं मफूल। अच्छा मुझे नहीं पता है क्यों है किताब के एंड में, और आप लोगों ने मफूल भी नहीं पढ़ा है ना अभी, इस तरह तो किताब में पढ़ा होगा शायद इस ग्रामर में, जी हाँ नहीं पढ़ा ना तो छोड़ दें इसको, मैं इसमें से कुछ कुछ देख लेता हूँ जो मुझे सही लग रहे हैं अभी। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, लिमन हमीदा ये भी थोड़ा सी, ये वो दोबारा अल्लदी के माना में आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। रब्बना वलकल हम्द, अच्छा ये रब्बना वलकल हम्द, ठीक है माना बन रहा है। अच्छा मुझे बताएं रब्बना जो है, ठीक है आप लोगों ने ये चीज पढ़ी भी है लेकिन ऐसे नहीं पढ़ी हुई, रब्बना
रब्बुना रब्बीना तीनों हो सकता था ना, ये रब्बाना आए हुए मनसूब आए हुए, मनसूब आए हुए क्यों मनसूब है जी, हरफ नदा। तो कुरान में जब भी इस तरह रब्बा आता है ना, कुरान में अगर आपको कभी दो चीजें मिले रब्बाना तो बेसिकली वो क्या है, या रब्बाना ए हमारे रब, क्योंकि हम यही दुआ कर रहे हैं ए अल्लाह ए हमारे रब, आतीना फिर दुनिया हसना या जो भी। तो यहाँ क्या है रब्बाना ए हमारे रब, लकल हम लका अलहम लका अलहम, ये क्या बन रहे हैं जुमला इस्मिया बन रहे हैं, जुमला इस्मिया फेल तो कोई भी नहीं है ना, तो आपके पास मुब्तदा क्या होगा इसमें अलहम्द मुब्तदा, खबर क्या होगी लका अलहम्द मुब्तदा लका खबर, मुब्तदा खबर जुमला इस्मी जुमला इस्मिया। तो जिस तरह मुनादा अलग से था ना कि अना सयारा तू का या हामिदू, वो अलग जुमला था, तो इस तरह रब्बना ए हमारे रब ये अलग जुमला है, आपने पुकार लिया एक जात को। उसके बाद आप अगली बात कह रहे हैं लकल हम, जब सामने वाला मुतवज्जे होता है तो आप उसको बताते हैं लकल हम यानी अलहमदु लका। और यहां देखें दोबारा क्या किया है हमने, हम्द ने पहले आना चाहिए था ना, अलहम्द अलहमदु लका पहले आना था मुब्तदा है, इसको ताखीर कर दी। तो अगर सिर्फ जुमला होता अलहमदु लका तो क्या माना होता, आपकी तारीफ, तारीफ आपकी है, लेकिन लकल हम्दु लका आप ही की है तारीफ। तो जब भी हम ये तकदीम ताखीर करते हैं मुब्तदा को बाद में लेकर आते हैं तो वो कलाम में हसर का पैदा माना पैदा करता है। अच्छा सुबहाना रबी अल अजीम में क्या पैदा होगा इसको फिलहाल छोड़ दें, ये हम नहीं पढ़ रहे, इसको हमने नहीं पढ़ा हुआ तफसील में, ये कुछ भी मुब्तदा खबर नहीं है इसमें। अच्छा जी आगे सुबहाना रब्बी इसको भी छोड़ दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ठीक है अस्सलामु सलामती अलैकुम आप पर, ये आपका अस्सलाम मुब्तदा बन रहा है, अलैकुम बन रहा है उसकी खबर, अस्सलामु अलैकुम सलामती हो आप पर, व रहमतुल्लाहि और रहमत अल्लाह की, व बरकात हो और बरकात हो से कौन अल्लाह ताला की ज़ात मुराद है, और अल्लाह की बरकात भी हो। तो ये जो रहमतुल्लाहि व बरकात हो ये सारे क्या है, वाओ का आदत किस चीज पर हो रहा है, पीछे वाले अस्सलाम पे हो रहा है, अस्सलामु अलैकुम सलामती हो आप पे, व रहमतुल्लाहि अलैकुम अल्लाह की रहमत हो आप पे, व बरकातुहु अलैकुम और अल्लाह की बरकात हो आप पर। इस सबको हमने आसान कर दिया था, अस्सलामु अलैकुम अल्लाह की सलामती हो आप पर और रहमत हो और बरकत हो, ठीक है। तो पूरी बात बार बार नहीं करते हैं, मतलब करके तीनों को मुब्तदा बना दिया, तो ये तीन मुब्तदा की खबर आई हुई है, ठीक है। इस तरह आप देखें तो इन्नमल अहमालु बिन्नियात, इन्नमा हमने नहीं पढ़ा लेकिन इसको हम देख लेते हैं, अल अहमालु अल अहमाल अमल मुराद है, बिन्नियात जो है ना इसकी खबर आ रही है, ठीक है। और नियात किसे कहते हैं, जो हमारी नियतें होती हैं, तो नियतें बिन्नियात हमने पढ़ा था ना कि हुआ तौलिबुन बिल जामिया, वो यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक एक तालिबे इल्म है, बिल जामिया का मतलब होता है मुंसलिक है, जुड़ा हुआ साथ है उसके, ठीक है। तो अल अहमालु बिन्नियात, अहमाल जो है मुंसलिक है, साथ है, जुड़े हुए हैं बिन्नियात अन्नियात के, जो नियतें हैं अहमाल नियतों के साथ जुड़े हुए हैं। और इन्नमा जो आया ना, दरअसल इस कलाम में ऑलरेडी हजर पैदा हो रहा है, अहमाल नियतों के साथ जुड़े हुए हैं, अल अहमाल तमाम अहमाल नियतों के साथ जुड़े हुए हैं, फिर हमने इन्नमा लगा दिया शुरू में। इन्नमा जो है ना ये लफ्ज आता है और इसका तकरीबन 99% दफा माना होता है सिर्फ, ठीक है। तो सिर्फ अल अहमालु बिन्नियात, अहमाल नियतों के साथ ही जुड़े हुए हैं, यानी अहमाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ नियतों के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी अहमाल हमारा क्या बन रहा था जुमला, अहमाल मुंसलिक है नियतों के साथ, इस जुमले में हसर आ गया कि अहमाल सिर्फ और सिर्फ मुंसलिक हैं अपनी नियतों के साथ, यानी पूरा का पूरा दारुल मदार अहमाल का उनकी नियतों पर है, ठीक है।
इन्नमा हमारे पास एक इस हर्फ होता है और वो पहले आ गया, वो बाहर है, अल अमाल मुब्तदा बिन्नियात खबर, इस तरह। जी, बाज दफा वो आता है इतना और माँ के साथ एक साथ क्या हुआ होता है। हाँ जी, तब भी होता है मिसाल के तौर पर आयते हैं, मैं बताऊंगा, मेरे जहन में सुनी आ रही है इतना माँ, वो हंसर है। ठीक है, चलें एक और मिसाल ले लेते हैं, अच्छी मिसाल आपने दी। जी, वही वाला है। अच्छा, अगर आपके पास होता, अम्वालुकुम, क्या माना होगा इसका, तुम्हारे माल, अम्वालुकुम फितनतुन, क्या माना होगा, तुम्हारे अमाल फितना है। इससे पहले इन्नमा आ जाए ना, तो अभी जो मैं बात बता रहा था उसमें सिर्फ का माना आएगा, तो तुम्हारे माल है ही तुम्हारे लिए फितना। ठीक है, यानी बेशक तुम्हारे माल है ही फितना, एक बहुत बड़ी फितने की चीज है। इन्नमा अम्वालुकुम फितना, कुरान में क्या है, इन्नमा अम्वालुकुम तुम्हारे माल, व औलादुकुम, व औलादुकुम फितना, तुम बेशक तुम्हारे माल और औलादें हैं ही तुम्हारे लिए फितना। तो इससे हमें एक और चीज पता चलती है कि जब अरबी सीखे तो अदाला कह रहे हैं ये है ही फितना, यानी इनमें बहुत बहुत बड़ी आजमाइश है। यानी अगर कोई आदमी बोले ना कि मेरी औलाद और माल में आजमाइश नहीं है, इसका मतलब वो उस आजमाइश में मुबतला हो चुका है। इतनी बड़ी आजमाइश है कि सिर्फ वही बच सकता है कि जिसको आजमाइश समझ आएगी क्या है इसमें। अगर किसी को समझ ही नहीं आ रही ना आजमाइश, और हमें सोचना चाहिए कि हम जो माल और हमारे औलाद जो है, क्या इनके मुतालिक कोई फितना हमें नजर आ रहा है और हम बचा रहे हैं, कोई कोई हम शऊरी तौर पे कोई फितना था इनका जिससे हमने अपने आप को समझा है, नहीं, अल्लाह की राह में चलना है, अल्लाह के लिए रहना है और हम उस फितने के आगे डटे रहे, क्या था? अगर नहीं था तो मुमकिन है हम फितने में मुंसलिक हो, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हारे माल और औलाद है ही फितना, अगर से उनमें खैर भी है, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला के बताने कौन से थे, इनमें बहुत बड़ा फितना है तुम्हारे लिए, बहुत बड़ी आजमाइश है। आगे क्या था आयत में, वल्लाहु इंदहु इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहु अजरुन अजीम, वल्लाहु इंदहु अजरुन अजीम। इसकी तरकीब हमने पूरी पढ़ी हुई है, वल्लाहु अल्लाहु अल्लाह ताला, इंदहु अल्लाह के पास, अजरुन अजीम, अजरुन अजीम बड़ा अजर। ये था मुब्तदा, ठीक है, इंदहु अल्लाह के पास क्या है, अजरुन अजीम, मतलब बेसिकली बना क्या, ये अजरुन अजीम आपकी खबर है, ये उस खबर का मुतालिक है। ठीक है, हाँ ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ये बिल्कुल सही है, ये मुब्तदा है हमारा, अल्लाह मुब्तदा है, और ये हमारे पास आ गया मुब्तदा, इंदहु अजरुन अजीम, ये क्या था असल में, अजरुन अजीम इंदहु, अजरुन अजीम इंदहु, ये था मुब्तदा और ये था आपकी खबर। जब इस मुब्तदा को हम आगे लेके गए तो हमने उसको नकेरा बना दिया। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, पूरा का पूरा जुमला है इस्मिया, ये पूरा जुमला इस्मिया आपके मुब्तदा की खबर है, यहाँ पे इसकी ये सारी की सारी खबर आ गई, वल्लाहु अल्लाह ताला इंदहु अजरुन अजीम, ये अजरुन अजीम इंदहु, तो पूरा का पूरा जुमला इस्मिया आपके मुब्तदा की खबर है। वाज़े, तो ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन वो फिर एक अलग तरकीब होती है कि नहीं,
दरअसल इसको इन्नमा जो है ना, इसको पूरा जुड़ा हुआ आमतौर पे वो कहते हैं, वे नहीं कहते कि इन्ना इन्ना वाला और माँ नफी वाला है, तर्जुमा करने के लिए आप नाहक बना रहे नहीं। हाँ तर्जुम देख, जब माँ आता है ना तो उसके बाद आगे इल्ला भी आता है, अगर आप उसको माँ नाफिया बोल रहे हैं ना तो वो उसका अंदाज ही अलग होता है, तो वो तो फिर नफी हो गई ना। अगर आप उस तरह समझना चाह रहे हैं, बेशक नहीं है तुम्हारा माल और औलाद फितना, हाँ तो वो सिवाय इसके कहाँ से लें। हाँ ठीक है ऐसे कह लें, दरअसल ये जो आप कह रहे हैं ना, ये बात तो आपकी सही है, आप हसर पैदा कर रहे हैं ये कह के, लेकिन कुरान ना इस तरह का हसर एक अलग तरह के अल्फाज से पैदा करता है। क्या आता है ना, वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुकर्रिबुकुम इंदना जुल्फा, नहीं फिर उस आयत में नहीं आया था कि हाँ मा नाबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इला अल्लाह ज़ुल्फ़ा, तो जो आप कह रहे हैं ना, हम इसका माना क्या होगा, हम नहीं उनकी इबादत करते सिवाय इसलिए कि वो हमें अल्लाह के करीब करते हैं, वो मा नाबुदुहुम इल्ला, मा नफी करेगा फिर इल्ला आगे जाके आएगा, वो एक अलग तरकीब होती है। अगर से वहां क्या पैदा हो रहा है, वहां हसर पैदा हो रहा है, तो सिर्फ क्योंकि आपने कलाम में हसर पैदा कर दिया तो ये नहीं समझे कि आपने ठीक किया है, हसर अलग अलग अंदाज से पैदा होता है, शुरू में नफी बाद में इस बात करते हैं ना, तो या शुरू में सबकी नफी करके कुछ को मुस्तस्ना करते हैं, वो कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा कोई माबूद नहीं है इल्ला अल्लाह, अल्लाह के अलावा, तो वहां भी असर पैदा हुआ। वमा उमिरु इल्ला लियाबुदुल्लाह, नहीं उन्हें हुक्म दिया था इल्ला इसके सिवाय इसके कि वो अल्लाह की इबादत करें, तो वो इन्नमा में सिवाय का माना नहीं है, वो एक ज्यादा कह लें, एक अलग तरह का असर वहां पैदा हो रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते ना, इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, बेशक मैं एक तुम्हारे जैसा इंसान हूँ, भारत सिवाय इसके से असर पैदा हो रहा है, लेकिन यहाँ वो वाला असर नहीं है। नहीं, देखिए अगर आपने मफहूमन कहना है तो सही है, मफहूम के अतबार से, क्योंकि आपने ये जब कहा ना कि नहीं है तुम्हारा माल इलावा फितना के, तो आपने असर पैदा किया है और वो कलाम में है, तो मफहूमन तो ठीक है, लेकिन लफ्जन अगर बोले ना तो कुरान में वो वाला हसर अलग अंदाज में आता है। क्या नो मैन और नो मान और उस्मान में गैर मुंसरिफ होने का रीजन आलम के साथ अलिफ नून ज़ायदा तान भी होगा? नोहमान और उस्मान, जी बिल्कुल, आलम और अलिफ नून ज़ायदा तान, यही दो वजह है इसकी। और आप लोग भी चाहें तो किताब को चेक कर सकते हैं, जो भी हो कि कुछ अगर नहीं समझ आ रहा पूछ सकते हैं। जी नहीं, ये आमतौर पर पता ये पढ़ने से आता है कि कौन सा फेल होगा जिस लाजिम कहलाता है और मुतअद्दी कहलाता है, वो फेल बता रहा हूँ याद नहीं करने की जरूरत, वो फेल जिनके मफूल नहीं होता, जिनको जरूरत भी नहीं होती, वो फेले लाजिम कहलाते हैं, और जिनको मफूल की जरूरत होती है वो फेले मुतअद्दी कहलाते हैं। तो ये फेले मुतअद्दी और लाजिम पढ़ने से पता चलेंगे कि कौन से हैं, अरब ने कैसे इस्तेमाल किया। फिलहाल जितने भी किताब में आपके आए हुए हैं ना, वो सारे के सारे फेले लाजिम है और अंदाजा हो जाता है, मतलब अगर आपने आगे दो चार इसम देखे और आपको कोई भी सेंस बन ही नहीं रहा मफूल बनाने का, तो अंदाजा हो जाएगा वो। बिल्कुल नहीं, ना आप पढ़ेंगे तो आपको लिस्ट थोड़ी याद करवाएंगे, बिल्कुल ऐसे ठीक है जी, ऐसे ही होगा। चल तईसा, तईसा का मतलब होता है हलाक हो जाए, हलाक हो जाए, ये फेल है और फेल लाजिम है, इसको मफूल नहीं चाहिए होता, सिर्फ फाइल होता है इसका, तो इसका फाइल क्या होगा? जी इसको कैसे पढ़ेंगे, अब्द और ये दीनार जो भी लिखा हुआ है, अब्द दीनार गुलाम या बंदा दीनार का, तहिसा हलाक हो जाए, फेल उसके बाद उसका फाइल आ गया, तहिसा अब्द दीनार वह अब्द दिरहम, और अब्द दिरहम दिरहम का पुजारी भी हलाक हो जाए, यानी ताईस अब्द दीनार व ताईस अब्द दिरहम, फेल और फाइल में देखें, फेल फाइल में जुमला पूरा हो गया, ये पूरा जुमला इस्मिया है, मुरकब मुफीद है, माना समझ आ गया है सबको, इसमें कोई मुतालिक नहीं है, कोई मफूल नहीं है,
जुमला फेलिया जी, मैंने इसमें बोल दिया था जी, जुमला फेलिया है, पूरा मुकम्मल हो गया है, फेल फाइल में खत्म, कोई मुतालिक नहीं, कोई मफूल नहीं जी। ठीक है, और ये अल्लाह के नबी ने एक बताया ना कि ढाई सौ दिनार, ढाई सौ दिरहम, अगर उसको खैर पहुंचता है तो वो राजी हो जाता है, अगर उससे कुछ शर पहुंचता है तो वो शिकायतें करने लग जाता है, यानी उसको बस सारा का सारा दारुल मदार हर चीज बस पैसा होता है, और वो गोया ऐसा हो जाता है कि वो पैसे को पूजने वाला बन गया जी। हाँ अच्छा, दसवें पर आ जाए, जुहीलत, अब्दुद दीनार हलाक हो जाए, अब्दुल्लाह होता है अल्लाह की इबादत करने वाला, अब्दुद दीनार दीनार की इबादत करने वाला हलाक हो जाए, हदीस में आते ताईस अब्दुद दीनार व ताईस अब्दुद दिरहम, ताईसा वाह तक ऐसा तरह के अल्फाज आते हैं कि अगर उसको कोई मुश्किल पहुंचे तो उसको कोई उससे दूर ना करे, मुश्किल कुछ भी उसके साथ मामला हो उसकी कोई मदद करने को ना आए, क्योंकि उसका मामला ऐसा कि वो बस पैसे के पीछे लगा रहता था। अच्छा जुहैलत में बता देता हूँ उसका माना क्या है, जुहैलत कहते हैं बना दी गई है, बना दी गई है, जुहैलत कहते हैं बना दी गई है, हाँ कोई मोनस चीज बना दी गई है, बना दी गई है, तर्जुमा बस बता रहा हूँ ना, ली मेरे लिए, अल अर्दु जमीन, जुहैलत बना दी गई है, इसकी जुहैला बस फेल है, इतना जान लें, इसकी तफसील फिलहाल नहीं पढ़ रहे, माना मैंने बता दिए, जुहैलत फेल ठीक है, ली फेल जी, जुहैलत फेल है माजी है, जुहैलत ली, ये मुरक्कब जारी है और ये मुतअल्लिक है, अल अर्दु जो है वो है फाइल इसका ठीक है, तो बना दी गई है, क्या चीज बना दी गई है, मस्जिद, इसको पढ़ेंगे, इसका असल नाम नायब फाइल होता है लेकिन बहर इसको फाइल कह लें फिलहाल ना, तो जुहैलत फेल, ली हो गया मुतअल्लिक, अल अर्दु हो गया फाइल, तो बना दी गई है जमीन मेरे लिए, जुहैलत क्या माना, बना दी गई है ली मेरे लिए, अल अर्दु जमीन, मस्जिदन व तहूरन नमाज की जगह, व तहूरन और पाकीजगी की जगह जी, बताइए क्या, नहीं मफूल मफूल मतलब वगैरह भी नहीं है, मफूल भी बन सकता है, मेरे जहन में ना बहरहाल ये जिनको अरबी ज्यादा आती है उनको समझ आ रही होगी बस बात, या तो इसको मफूल कह लें ठीक है, या इसको तमीज भी कह सकते हैं ना, कि मेरे लिए मस्जिद बना दी गई है, क्या मस्जिद और तहूर, पर बेहतर बात ये कि मफूल है, मफूल है, बहरहाल इसको छोड़ देंगे, आगे की चीजें आ गई है, मुझे ना वो नहीं हो रहा कि क्या चीज हटाऊं क्या चीज रखे रहना जी। नहीं मस्जिदन मतहूरन नमाज की जगह और पाक करने की चीज जी 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 अच्छा, फी कुलूबिहिम मरज़ुन माना, मरज़ुन फी कुलूबिहिम, ये था असल में मरज़ुन था मुब्तदा, फी कुलूबिहिम उनके दिलों में, ये है आपका मुरक्कब जारी जो कि है खबर, परेशान तो नहीं, तो ऐसा लग रहा था मुझे आपसे वाइब्स आ रही होती है कि आपको समझ नहीं आ रहा मैं कुछ अजीब सा पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा मुस्कुरा लिया करें जी, पिछले अगली क्लास में रिवाइज कर लेंगे, अब तो अब टाइम नहीं है इसमें ये, एक वक्त में बोला जाएगा तो आवाज आएगी, कोई एक बोले एक वक्त में, पेपर्स की तैयारी करवा, यही तो कर रहे हैं देखिए, अब मिसाल के तौर पे फी कुलूब है मरजुन, उनके दिलों में बीमारी है, तो मरजुन क्या है,
मुक्तदा मौखर फी कुलूबिहिम खबर, पेपर में क्या आएगा यही चीजें आएंगी ना, खबर मुकदम मुब्तदा मौखर क्या है तर्जुमा करें, तो वही प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना। और कोई चीज आपके पास है जो स्पेसिफिकली पूछना, दरअसल बात यह है कि पूरी किताब पढ़ी हुई और पीरियड दो है, एक आज का पीरियड और एक मंडे का पीरियड, तो मैं रिविजन कराने को तो करा दूं लेकिन मैं क्या रिवाइज कराऊं, ये तो मुझे कोई स्पेसिफिकली बताए ना। या जी जो पेपर, पेपर में भी कुछ आ ही नहीं रहा ना, पेपर बना ही नहीं है अभी, तो वही ना पेपर बना हुआ तो मैं कुछ पढ़ा दूं, तो मैं अब पूरी बुक तो एक पीरियड में नहीं हो सकती ना, तो या तो मुझे कोई स्पेसिफिक चीज बताएं वो रिवाइज करते हैं या ये करते हैं और इसमें आता रहेगा, क्या पता इसमें से ही कुछ आ जाए, क्या पता इसके इसी में से कुछ आ जाए, इसी में कुछ जहन में आ गया हो, नहीं हो सकता है, हो सकता है नहीं है, हो सकता है मैं ऐसे ही करवा रहा हूँ कि आप लोग मेहनत करें फिर पेपर से कुछ आसान सा आ जाए। मुझे शेख अदील ने भी बाहर यही बोल रहे थे कि वो 2 दिन में पेपर बना दें, मैं कोशिश करूंगा, मुमकिन नहीं है। पेपर में ना समझेंगे जैसे ये जमायर वगैरह थे ना, जो हुआ हुमा हुम दिया हुमा हुन्ना, ठीक है, पहले माजी के, पहले माजी जो था वो क्या था, दहबा दहबा दहबू दहब दहबता दहबना, या जो बैतुहु बैतुहुमा बैतुहुम बैतुहा, ये समझे ग्रामर वाले पार्ट है ना। मिसाल के तौर पे मुब्तदा खबर में किन 4 चीजों में मुताबकत होती है, मौसूसित में कहाँ कहाँ मुताबकत होती है, गैर मुनसरिफ क्या होते हैं, ठीक है, मरफूआत क्या क्या पढ़ी है अभी जिन पे रफा आता है, ठीक है, या मजरूरात क्या क्या पढ़ी है, तो समझे आधा पेपर तो इस ग्रामर से होगा, ठीक है, आधा पेपर इस ग्रामर से होगा जो बेसिक सब पता हो आप लोगों को, उसके बाद आधा पेपर आ सकता है ये तर्जुमा करें उस आधा खबर बता दें कौन सा है और इस तरह की कुछ थोड़ी बहुत चीजें। मुरक्कब मुरक्कब मना सर्फ, ये क्या होता है, गैर मुंस मुरक्कब क्यों गैर मना सर्फ ना, क्या बताना है इस बारे में, बिल्कुल मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि माना सिर्फ के असबाब बताएं जो अभी पिछले असाइनमेंट में पूछा था, अच्छा याद होने चाहिए ना, बार बार जब लिखेंगे तो याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कोई असाइनमेंट में आ गया तो अब नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है, असाइनमेंट आपको मंडे को मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी जल्दी से, फी कुलूबिहिम मरज़ुन क्या माना, दिलों में मर्ज है, मर्ज मरज उन था मुब्तदा, फी कुलूबिहिम खबर आ गई उसकी, ज्यादा ज्यादा पढ़े ज्यादा ज्यादा है फेल, ज्यादा का मतलब है ज्यादा किया, ठीक है, उससे पहले अगर फा आ गया ना फल ये भी नहीं पढ़ेगा, फी कुलूबिहिम मरज उन बस इतना काफी है, ठीक है, मसलुहुम जी उसका ठीक है, ठीक है, कम आपका इस्तेफामिया जो है ना वो, ये वैसे दर्स कौन सा था हमारा, किसी की कोई मिसाल अगर हो तो उसको देख लेंगे ना जी, आप लोगों के पास कम खबरियां आया है अभी इसमें, एक ही तरह का पढ़ा है ना, तो आपने भी फर्क क्यों समझना है, अच्छा विफाक में भी आता है दरअसल, वो जो कम के बाद अगर तमीज आई हुई है ना, और तमीज में क्या क्या चीजें होती हैं, वाहिद नकेरा मंसूब ये चीजें होती है, तो अगर आपसे सवाल है ना कम तालिबन, ठीक है, तो ये वाहिद नकेरा और मंसूब तीनों चीजें हैं, तो ये आपका कम है इस्तेफामिया, जी ठीक है, और जो कम खबरिया होता है उसके बाद जो आ रहा होता है ना वो आमतौर पे मजरूर आ रहा होता है कम खबरिया के बाद, ठीक, मिसाल के तौर पे आपके पास कुरान में एक आयत है ना कम मिन
फीअतिन फीअतिन कलीलतिन गलबत फीअतिन कसीरा, कितने ही दफा या कितने ही छोटे ग्रोहों ने बड़े ग्रोहों पे गलबा गलबा हासिल किया, गलबा आवर हुए हैं। तो बाज दफा ना ये मिन हट जाएगा, मिन माना के अंदर होगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होगा, तो वहां पे आगे वाली चीज जो है वो मजरूर आ रही होगी। इस तरह से आपको अंदाजा हो जाएगा वो वाहिद नकेरा मंसूब ये तीनों चीजें नहीं होगी। तो वह आपके पास होता है कम इस्तेफामिया, जी कॉन्टेक्स्ट बता देगा आपको, ठीक है। मिसाल के तौर पर कम तौलीबन हिंदक, ठीक है, मिसाल के तौर पे है ना कम तौलीबन हिंदक, तुम्हारे पास कितने तौलिब इल्म है, ठीक है, ये इस्तेफाम है, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि मिसाल के तौर पे ये तो मैं नहीं, इस पे माना ही नहीं बनेगा ना कि कितने ही तौलिब इल्म तुम्हारे पास है, वो बन ही नहीं रहा ना माना, कम के बाद अगर वाहिद नकेरा और मंसूब एक चीज है इसम है तो वो कम इस्तेफामी है, जिसके साथ ये नहीं है वो कम खबरी है। जी कोई और किसी का कोई सवाल किसी बारे में, इस प्रेप से और भी मुश्किल हो गया तो इस प्रेपरेशन को छोड़ दें, ये प्रेपरेशन नहीं थी, ये बस मकसद था इससे आपको कुछ आइडिया देना कि हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो थोड़ा बहुत हम अरबी समझ सकते हैं उसकी वजह से। मरफू हालत फाइल मुनादा मुबतदा और खबर, जी जी हरफ जर या मुदाफी ले, नसब का बस हाँ फिलहाल एक तमीज पड़े, एक मुना नहीं मुनादा नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा नहीं है हमने अभी। गैर मुनसरिफ जो है ना वो मजरूर ही होता है, उसका जर फतहा से आ रहा होता है, वो फतहा होती है जिससे जर आ रहा है, होता उसका एराब जर ही है, वो मंसूब नहीं होता। जी मफूल मफूल मंसूब में आते लेकिन वो फिलहाल पढ़ा नहीं है ना। हरफ नसब नवासिब कहते हैं, हरफ हरफ जैसे तो देखें हरूफ नसब नहीं देते हैं, हरूफ जड़ देते हैं आमतौर पे, कि कोई अगर हो मेरे जहन में नहीं है हरूफ जड़ देते हो, हरफे तो नहीं हुरूफ मुशब्बहा बिल फिल, हुरूफ मुशब्बहा बिल फिल ना जैसा कानत वाला तो उसकी खबर होती है खबरु काना या खबरु हुरूफ मुशब्बहा बिल फिल खबरु काना कहलाता है। जी मुदाफ आ रहा है जी, लेकिन ये फिलहाल कि हमने इसमें नहीं है हमारे, बाकी वजह ये है। ठीक है जी इसमें आपने ना एक सारी तरह सलासा तू मसा जी था अरबाह तो मसा दी जाती जी 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 बिल्कुल प्रैक्टिस है क्या तो
उसके मार्क्स लगाऊं। पूछ ले, आसान हो गए है ना, वरना पूछ लेते, मंडे को पूछ लेंगे। سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. This video is optimized by Alim Online. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم كذلك أرسلناك في قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليهم عليه توكل وإليه متاب سيرت بك الجبال قالوا الذين بما صنعوا صالحا جہاں تک آپ پڑھنا چاہیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کذالک ارسلناک فی امتین، کذالک اسی طرح، ارسلنا ہم نے بھیجا، کا آپ کو، فی امت امت میں، اس امت کیسے کہیں گے؟ ویسے مطلب یہاں پہ اس بس فی امت امت میں بھیجا، قد خلت من قبلها، خلا یخلو، خلت گزر چکی ہے، من قبلها اس سے پہلے، اممن امت گزر چکی ہے، امامن جمع امت کی جمع، اچھا امت جو ہے وہ امت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، کون سی دو طرح کی ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے مراد کون ہے؟ ہر وہ شخص جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد آیا، صحیح، تو اس میں مسلمان اور کافر دونوں شامل ہیں، کافر دونوں شامل ہیں،
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की थी उम्मती उम्मती, उसमें काफिर के लिए भी दुआ थी। सही, तो दो तरह की उम्मत होती है, एक कहलाती है उम्मतुद दावा और दूसरी कहलाती है उम्मतुल, एक है दावा और दूसरी क्या देगी, जवाब देगी, तो उम्मतुल इजाबा। हर नबी जिस कौम के लिए भेजा गया या जिन लोगों के लिए भेजा गया वो होती है उसकी उम्मतुद दावा। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से लेके आखिर तक जो है तमाम के तमाम क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। कौन सी उम्मत है? उम्मतुद दावा, कि उनको जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है, उनका पैगाम पहुंचाया गया है। और जो कबूल करता है वो कहलाती है उम्मतुल इजाबा, कि ये वो उम्मत है जिसने कबूल किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत। तो आपको भेजा गया है इसी तरह, इसी तरह का मतलब क्या है कि आपसे पहले भी जो है वो अंबिया और रसूलों को भेजा गया था। तो ये जो ये इनकार कर रहे हैं या ये जो आपसे अदिल्ला का तकाजा कर रहे हैं और उन जो आपको आयात दी गई हैं उससे ये मुतमईन नहीं है बल्कि ये और आयात का तकाजा करते हैं, तो आप परेशान ना हो, ये मामला जो है इन्होंने पहले भी, यानी लोगों ने पहले भी अपने रसूलों के साथ इस तरह का मामला किया है। कद खलत मिन कबलिहा उमम, इनसे पहले इस तरह की कौमें गुजर चुकी हैं। लितत्लुआ, आपको हमने क्यों भेजा है? लितत्लुआ, ताकि आप तिलावत करें अलैहिम, उन पर अल्लज़ी औहैना इलैका, उस चीज की तिलावत करें जो कि हमने आप पर वही की है उनकी तरह। यानी आपका काम जो है वो मैसेज को पहुंचाना है, आपका काम उनके सीनों में उसको उतारना नहीं। आप इनको हिदायत, मतलब जबरदस्ती जो है आप उनको हिदायत नहीं दे सकते। वहुम यकफुरून बिर्रहमान, इस हाल में के चाहे कि वो क्या कर रहे हो, इनकार कर रहे हो रहमान का। यानी वो चाहे इनकार कर रहे हो, आपको क्यों भेजा है कि आप जो है उन पर तिलावत करें, आप उनको मैसेज भेजें। और यकफुरून बिर्रहमान, ये अर्रहमान जो है अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है, सिफात तो है ही है लेकिन नामों में से एक नाम है। कुफार को जो है ये नाम अच्छा नहीं लगता था, मक्का के जो कुफार थे मुशरिकीन थे उनको ये नाम अच्छा नहीं लगता था। वो अल्लाह का नाम पहचानते थे, अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारते थे, लेकिन वो रहमान से पुकारना पसंद नहीं करते। कैसे पता चलता है? एक आयत भी है और एक मामला भी है, यानी एक किस्सा भी है। आयत कौन सी है? कालू वमर रहमान, उनको जब कहा जाता है कि सजदा करो रहमान के लिए तो वो क्या कहते हैं? वमर रहमान, रहमान कौन है? अनस जुदु लिमा तामुरुना, क्या हम सजदा करें उसके लिए जिसके लिए आप हमें हुक्म दे रहे हैं? वजादहुम नुफूरा, और वो बढ़ जाते हैं किसी में नफरत में, तो उनको जो है ये रहमान जो है वो पसंद नहीं। और इसी तरह कब हुआ था? हुदैबिया के वक्त, हुदैबिया के वक्त जब वो लिखा जा रहा था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या लिखवाया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो जो आए थे उनकी तरफ से उन्होंने क्या कहा? नहीं, ये रहमान नहीं। फिर क्या लिखवाया था? बिस्मिकल्लाहुम्मा, ठीक है। तो ये रहमान, और मुसलमानों को, मोमिनीन को जो है रहमान से बहुत मोहब्बत है और उसकी सिफत भी है। आपने उन पर तिलावत करनी है, और वो भी कर सकते हैं इस हाल में भी कर सकते हैं या चाहे के वो भी कर सकते हैं। यानी उनका ये जो कुफर करना है ये आपको आपकी तिलावत से ना रोके, और आपने ये नहीं समझना है कि चूंकि अब आपने तिलावत कर दिया, आपने उनको मैसेज भेजा दिया तो पहुंचा दिया तो अब वो कुफर नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। वहुम यकफुरून बिर्रहमान, और वो कुफर करते हैं रहमान का। कुल, आप उनको कह दीजिए, हुआ रब्बी ला इलाहा इल्लाहु अलैही तवक्कलतु, उसी पर तवक्कलतु, मैंने भरोसा किया। उसी पर का माना कैसे किया? अलैही पहले आ गया, वरना अगर तवक्कलतु अलैही होता तो फिर होता मैंने भरोसा किया उस पर। अलैही तवक्कलतु, उसी पर मैंने भरोसा किया, तवक्कुल किया। वह इलैही मताब, और उसी की तरफ मेरा लौटना है या मेरा रुजू करना है। रुजू भी सही है और लौटना भी सही है, लेकिन यहाँ पे मेरा का माना कैसे आ रहा है? ये मताबी बा के नीचे जो कसरा है, ये या जो है वो यहाँ पे महजूफ है, उसकी अलामत है, वरना इस पर या तो तनवीन होनी चाहिए थी, मताबिन होना चाहिए था इसको, ठीक है। आपको पता है अगर तनवीन नहीं आती, तनवीन कैसे वर्ड पे नहीं आती? मुजाफ पे नहीं आती, तो उसको मुजाफ ही चाहिए होता, और किस पे नहीं आती तनवीन? गैर मुनसरफ पर, लेकिन गैर मुनसरफ पर कसरा भी नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे या जो है वो महजूफ है, असल में था मताबी, लेकिन यह हजफ कर दिया गया के लिए ही मताब। वलव अन्ना कुरआनन, और अगर होता
قرآن کوئی قرآن، یہاں پہ مراد جو ہے القرآن نہیں ہے بلکہ قرآن کوئی بھی پڑھی جانے والی چیز ہوتی، کیسی ہوتی؟ سیرت بہل جبالو، چلایا جاتا، چلایا جاتا اس کے ساتھ الجبالو پہاڑوں کو، نہیں سیر والا، سیر والا، او قطعت بہل اردو، یا پھر کاٹا جاتا زمین کو اس کے ذریعے، او یا پھر کلمہ بہل موتا، کلام کیا جاتا اس کے ذریعے مردوں سے. ہوتا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار آتے تھے اور مختلف تقاضے رکھتے تھے کہ آپ یہ کر دیں، آپ وہ کر دیں، یہ مردہ ہے ان سے ہمیں بات کرا دیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، آپ کے پاس اگر آپ واقعتاً کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ کا کلام ہے تو آپ یہ معاملات کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی پڑھی جانے والی ایسی چیز ہوتی جس کے ذریعے یہ معاملات ہوتے تو پھر وہ یہی قرآن ہے. اور مفسرین نے دوسرا معنی بھی کیا بیان کیا ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی مل بھی جاتی ان کو، یہ جو آپ سے آ کے دلائل مانگتے ہیں، اس طرح کے تقاضے کرتے ہیں، اگر ان کو ایسی چیز مل بھی جائے جس کے ذریعے پہاڑ کو بھی چلا دیا جائے، زمین کو بھی پھاڑ دیا جائے، مردہ سے بھی بات بھی کرنی جائے، تب بھی کیا ہوگا؟ یہ ایمان دلائیں گے. یعنی ان کا جو قصد ہے آپ سے آ کے سوال کرنا، تقاضا کرنا، ان کا یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں یہ دلیل دے دیں تو ہم مان جائیں گے، کیونکہ پیچھے کیا گزر چکا ہے، اس سے پیچھے اور تھوڑا سا پچھلی کلاس میں کیا تھا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کے لیے ادلہ انف آ چکے ہیں، وعلیکم السلام، اور جن کو یہ ادلہ انف نہیں لگ رہے ان کے لیے کوئی دلیل بھی کافی نہیں. بل للہ الامر جمیعا، آپ ان کو کیا بتا دیں، للہ الامر جمیعا، بلکہ اصل حقیقت کیا ہے کہ تمام کے تمام جو فیصلے ہیں، تمام کے تمام جو معاملات ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ نے جیسا چاہا ہے اللہ نے ویسے کیا. اگر اللہ چاہتا کوئی ایسی چیز دیتا تو اللہ دیتا، اللہ نے جب نہیں چاہا تو نہیں. افلم ییأس الذین آمنوا، کیا نہیں مایوس ہوئے، اطمینان ہوا، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے. یہی اس کے یہاں پہ مختلف معنی کیے گئے ہیں. ایک معنی کیا گیا ہے یہی اس کا یعلم، یعلم کا مطلب جاننا، اور ایک معنی کیا گیا ہے مایوس ہونے کا بھی جو اس کے اصل ورڈ کا ہے، اور ایک معنی قبول کرنے کا بھی کیا گیا. کیا ہوتا تھا جب کفار آتے تھے اور اس طرح کے تقاضے کرتے تھے، تو کبھی کبھار کچھ ایمان والوں کے دل میں کیا خیال آتا تھا کہ ایسا کر دیا جائے نا تاکہ کیا ہو، یہ ایمان قبول کر لیں. خاص کر ایسا کب ہوتا تھا، جب کوئی جانے والا کوئی ریلیٹو ہوتا تھا تو خواہش ہوتی تھی کہ اگر یہ واقعتا اس بات کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ تقاضا پورا کر لے. تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو کیا بتا رہا ہے، کیا تم نے ابھی تک یہ نہیں جانا کہ یہ کر بھی دیں گے نا تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، یا تم اب تک ان کے ایمان سے مایوس نہیں ہوئے، یعنی ان کے ایمان نہ لانے سے، یعنی اتنے معاملات تمہارے سامنے ہو چکے ہیں، اتنی نشانیاں دکھا دی گئی، اس کے باوجود ابھی ایمان نہیں لائے. تو مومنوں کو اس بات کو قبول کر لینا چاہیے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ کہ اللہ یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتا لہدی الناس جمیعا، اللہ تمام انسانوں کو جو ہے وہ ہدایت دے دیتا لازمی طور پہ، لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا. اللہ نے انسان کو ہدایت اختیار کے طور پہ رکھی ہے. اللہ چاہتا جس طرح فرشتے ہیں کوئی بھی کفر نہیں کرتا، اور مخلوقات ہیں کوئی بھی کفر نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یہ معاملہ نہیں چنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کیا معاملہ چنا کہ اگر ایک انسان ہدایت چاہتا ہے تو اس کو ہدایت ملے گی، لیکن نہیں چاہتا تو اس کو نہیں ملے گی. ولا جنوں کے نبی ملتے، ولا یزال الذین کفروا، لا یزالو کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہمیشہ رہنا. زالا یزالو کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا، لا یزالو نہیں ختم ہوگی، تو یعنی ہمیشہ رہیں گے. لا يزال الذين كفروا، ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کس حال میں رہیں گے، تصيبهم، پہنچے گی ان کو، بما صنعوا، اس وجہ سے جو انہوں نے کیا، صنع کرنا بنانا کے معنی میں، کیا پہنچے گی، قارعۃ، سخت طرح کی مصیبت پہنچے گی، سخت طرح کا عذاب آئے گا، او تحل قریبا من دارهم، یا پھر ان کے گھروں کے قریب جو ہے کوئی آفت آئے گی یا مصیبت آئے گی، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، قیامت قائم ہو جائے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، نہیں خلاف ورزی کرتا میعاد آنے. ولقد استهزئ، استہزاء، مذاق اڑایا گیا ہے کس کا، برسل من قبلک، آپ سے پہلے بھی رسول، فأمليت،
मोहलत ही ढील दी, हमला यूनि ढील देना, मोहलत दी लिल्लज़ीना कफरू सुम्मा अखज़्तुहुम, फिर उनको पकड़ा, फकैफ़ काना इक़ाब, कैसा था मेरी सजा, मेरा इकाब, मेरा पकड़ना। यहाँ पे भी मेरा का माना कैसे आया, इकाब भी बा के नीचे जो कसरा है, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्ना अल्लाह ला युबली लिज़्ज़ालिम, अल्लाह ताला जो है वो जालिम को ढील देता है, हत्ता इदा अखज़हु लम युफलितु, यहाँ तक कि अल्लाह जब पकड़ने पे आता है तो फिर उसको छोड़ता नहीं है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं, आफा मन हुआ क़ाइमुन, क्या वो शख्स नहीं, क्या वो जात जो कि क़ाइमुन कायम है, निगरान है, हिफाजत करने वाली है, अला कुल्ली नफ्सिन बिमा कसबत, हर नफ्स पर बिमा कसबत उस एतबार से जो उसने कमाया है, वो जात जो कि हर नफ्स पे निगरान है, हर नफ्स को कंट्रोल किए हुए, या हर नफ्स का मुहासबा किए हुए, वो चीज़ जो वो करती है, जो भी नफ्स है, कोई भी शख्स कुछ भी करता है, उस जात ने उसका इहाता किया हुआ है, उसको मालूम है, उसका निगरानी कर रहा है। जवाब क्या है यहाँ पे, जवाब जो है इस शर्त का महसूफ है, ये शर्त है ना, मन हुआ कायम, क्या वो जो कि इस तरह निगरान है, तो इसका जवाब क्या है, क्या वो जात उसकी तरह हो सकती है जो ये मामला नहीं कर सकता, क्यों? अल्लाह ताला कह रहे हैं, जअलू लिल्लाहि शुरका, उन्होंने क्या बना दिया, अल्लाह के लिए शुरका बना, शरीक बना दिया, और उनमें से किसी में भी ये सिफत नहीं मिलेगी कि वो जो है निगरानी कर सके, वो हिफाजत कर सके, जो दूसरे कमरे में होता है उसको इस कमरे का नहीं पता, जो उस शहर में होता है उसको इस शहर का नहीं पता। कुल, आप इनसे कहिए, समूह, नाम बताओ उनके, अम तुनब्बिउनहु, क्या तुम तुनब्बिउनहु, नब खबर देना, नबा खबर देना, क्या तुम खबर देते हो उसको, किसको, अल्लाह को खबर देते हो, बिमा ला यालमु फिल अर्दी, बिमा ला यालमु फिल अर्द, कौन नहीं जानता। अच्छा, एक माना इसका क्या है, बिमा ला यालमु फिल अर्द, जिसको अल्लाह नहीं जानता, यानी तुम कोई ऐसी जात का बता रहे हो जिसको अल्लाह नहीं जानता, ठीक है। और दूसरा माना क्या है कि क्या तुम उन लोगों के बारे में खबर देते हो या उन चीजों के बारे में खबर, क्योंकि शुरका में सिर्फ इंसान नहीं आते, शुरका में और क्या चीजें आती है, ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं, बुत वगैरह बना लेते थे, चीजों की इबादत शुरू कर देते थे, तो उन चीजों के बारे में तुम बताते हो, मा ला यालमु फिल अर्ज, जिसको यही नहीं पता कि जमीन में क्या चल रहा है, जिसको जमीन के कुल मामलात का ही नहीं पता, उसको तुम शरीक बना रहे हो, अम बिज़ाहिर मिन अल-क़ौल, या फिर क्या है, ये सिर्फ एक जाहिरी बात है, तुम सिर्फ जबानी कलामी कर रहे हो, हकीकतन तुम्हारा खुद का जो है इस एतबार से एतिकाद नहीं है, तुम खुद इस बात को मानते नहीं हो, तुम ये नहीं मानते कि ये जो जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ, जिसको मैंने शरीक बनाया हुआ है, ये वाकयातन जो है इन मामलात पे कंट्रोल रखता है, कुदरत रखता है, तुम ये नहीं मानते, सिर्फ जाहिरी तौर पे जो है ये तुम्हारा सिर्फ गुमान है। बल ज़ुय्यिना, सजा दिया गया है, मुज़य्यन कर दिया गया है, लिल्लज़ीना कफरू, जिन्होंने कुफर किया, मकरुह, उनकी चालों को उनके लिए मुज़य्यन कर दिया गया है, वसुद्दू अनिसबी, और सद सद करना रोक देना, रोक दिए गए हैं, आने समीन सीधे रास्ते से, सही रास्ते से, वमई युद्लिल्लाहु, युद्लिल्लाहु, जिसको गुमराह करे अल्लाह, अल्लाह गुमराह करे, कैसे पता चला, कलिमा अल्लाह जो है वो रफा में, और रफा में कौन होता है, फाइल, तो युद्लिल का फाइल अल्लाह, जिसको अल्लाह गुमराह करे, फमा लहू बिन हादिन, उसके लिए कोई हादी नहीं, हादी हिदायत रहनुमाई करने वाला, हिदायत देने वाला, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे तो उसके लिए कोई हिदायत देने वाला नहीं, और उनके लिए क्या है, लहुम अज़ाबुन फिल हयात दुनिया, उम्मीद है कि ये कलाम इंशाल्लाह वाज़े होगा, वला अज़ाबुल आखिरति अशक, और आखिरत का जो अज़ाब है वो कैसा है, अशक, ज्यादा सख्त, अशक किस चीज का सीगा है, इसमें तफजील का, ठीक है, ये अफ़ाल के वजन पे असल में था अशकाकू, लेकिन फिर मिला के हो गया अशक, ज्यादा सख्त है, ज्यादा शदीद है, वमा लहुम मिनल्लाही मिन वाक, नहीं है उनके लिए अल्लाह से कोई वाकिन बचाने वाला, वाकिन का वर्ड जो है इन हरूफ असलिया से कोई वर्ड आपके जहन में आता है, नहीं, ये जो हरूफ असलिया है बचने के माने में जो है,
दुआ में भी है, रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना कीना, और कीना जो है ये तकवा भी जो है वो इसी के करीब करीब है। वमा लहु मिनल्लाहि बिवाक, और नहीं है उनके लिए अल्लाह से कोई बचाने वाला। फिर अल्लाह ताला ने इनके बाद मिसाल दी, देख लो कि मसलुल जन्ना अल्लती वुईदल मुत्तकून, जिसका क्या किया गया है, वादा किया गया है किससे, मुत्तकीन से। तजरी मिन तहतिहा अल अनहारु, अगर ऑनलाइन भी कोई तर्जुमे का हिस्सा ऐसा हो जो आपको वाजे ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि आप लोग काफी चीजें खुद कर रहे हैं इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। उकुलुहा, उकुलुहा हर वो चीज जो खाई जाती है, उसका जो फल है, उसके अंदर जो खाने की चीजें हैं वो कैसी हैं, दाएमुन दायमी है, हमेशगी की है। व जिल्लुहा, और उसके साए भी कैसे हैं, दाइमा वो भी हमेशगी के हैं, उसका खाना पीना भी हमेशा का है, यानी वहां पे कोई चीज खराब नहीं होती। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, फ्रिज में रखना पड़ता है, 2-3 दिन बाहर छोड़ दें चीज खराब हो जाएगी, टेस्ट वो नहीं रहेगा, जायका वो नहीं रहेगा, लेकिन वहां की ऐसी कोई चीज नहीं है, वहां की जो चीजें हैं वो हमेशा वैसी की वैसी ही है। तिलका उकबल लदीना इत्तकौ, उकबा का हमने कहाँ पे देखा था, उकबा कहाँ आया था, अंजाम उकबदार जो आया था, उकबा जो चीज फॉलो करती है, अंजाम अल्लदीना इत्तकौ जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, व उकबल काफिरीना अन्नार, अन्नार वल्लदीना आतैनाहुम हमने दी उनको अल किताबा किताब, यफरहुना खुश होते हैं, बिमा उन्ज़िला इलैका उस चीज से जो हमने नाजिल की, हमने नाजिल कहां से की, नाजिल की गई इलैका आपकी तरफ, अच्छा ये मैं तर्जुमा एक इस वजह से भी साथ साथ थोड़ा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आपके पेपर अब करीब आ गए तो पेपर में ये थोड़ा सा आपने ख्याल करना होगा और ये सीगे के एतबार से तर्जुमा करना होगा। उन जिला का मतलब हमने नाजिल किया नहीं उसका, उन जिला नाजिल की गई इलाही का आपकी तरफ, आपने पेपर में तर्जुमा करना है तो आपने कोशिश करना है पूरा किस तरह का हो, जिस हद तक मुमकिन हो ग्रामर का ख्याल रखते हुए हो, जिस हद तक मुमकिन हो ग्रामर का ख्याल रखते हुए हो, जितना अच्छा ग्रामर का ख्याल रखेंगे उतना ज्यादा इंशाल्लाह खुशी भी होगी। खैर मर्जी आपकी, माना सही होना चाहिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना आप ग्रामर का ख्याल रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा इंशाल्लाह। तो जिन लोगों को हमने किताब दी और वो क्या करते हैं, खुश होते हैं उससे जो आप पर नाजिल किया गया। वमिन अल अहज़ाबी, अहज़ाब किसकी जो है, हिज़्ब ग्रोह, और ग्रोह में से कुछ क्या है, मन युनकिरु बादा जो इनकार करते हैं, बादा हु उसके बाज का, इसके दोनों माने किए गए हैं कि आपको जो अता कर रहे हैं हम जो कुरान दे रहे हैं उसमें मानने वाले कौन है, इस कुरान के मानने वाले मुसलमान है, तो मुसलमानों में से ऐसे हैं जो कि इस किताब में से जब आपको और कुछ हिस्सा मिलता है और कुछ दिया जाता है जो कुरान दिया भी गया है उससे वो क्या करते हैं, खुश होते हैं, उससे उनको खुशी होती है, और अपने आप को मुसलमान कहने वाले या इस वक्त में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसके बाद हिस्से का क्या करते हैं, इनकार करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो मुसलमान नहीं है वो भी इसके कुछ हिस्से पर ईमान लाते हैं, कुछ हिस्से को वो मानते हैं कि इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके कुछ हिस्से का इनकार करते हैं, और कुछ मुसलमानों में से ही ऐसे हैं जो कि कुछ सेलेक्टेड पोर्शंस में तो खुश हो जाते हैं लेकिन बाकी चीजों पे जो है उसका वो इनकार कर देते हैं। और ये सिफत पहले किसकी थी, सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने कहा अफतुमिनूना बिबाज़िल किताबी व तकफुरूना बिबाज़, के किताब के कुछ हिस्से पे तो तुम ईमान ले आते हो लेकिन कुछ हिस्सा तुमसे हजम नहीं होता, कुछ हिस्से का तुम इनकार करते हो। तो इसी तरह कुछ मुसलमानों की कैफियत क्या बयान की है कि इनको किताब जो दी गई है इसमें से कुछ हिस्से पे तो वो खुश होते हैं लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो इनसे हजम नहीं होता, कुछ हिस्से का वो इनकार कर बैठते हैं, अब चाहे वो जबानी तौर पर हो, चाहे वो एतकादी दिल से तौर पर हो, या फिर अमल के तौर पर हो। और दूसरा माना क्या है कि आप यानी वो लोग जिनको किताब दी, और किताब से मुराद यहाँ पे पिछली किताबें हो जाए, यानी पहले जो अहलुल किताब रहे हैं, जब आप पे कोई चीज नाजिल होती है तो उनको एक तरह खुशी भी होती है। अब वो खुशी किस चीज की होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रही है, उनको अहलुल किताब को किस चीज की खुशी होगी, एक ये चीज के कुरान में से वो हिस्सा जो उनकी किताब की तस्दीक करता है उससे उनको खुशी होती है। हमारे यहाँ पे भी यही है, ठीक है, हमारे यानी इसका मतलब है कि हमारे पास सच है, उनको खुशी होती है कि देखो तुम्हारी किताब भी वही कह रही है, असल तो ये हमारे पास है, तो हमारे पास जब असल है तो हम तुम्हारे पास क्यों आएंगे। और दूसरी खुशी किस बात की भी होती है, क्योंकि उनकी किताबों में क्या था, उनकी किताबों में आने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई थी,
तो वो अपनी किताब में जो प्रिडिक्शंस थी, जो अखबार दिए गए थे बाद के, उसको पूरा होता हुआ मानते हैं। और इन्हीं अहलुल किताब में से पास कैसे हैं जो कि क्या करते हैं, इन बुनियादों पर ईमान ले आते हैं, जैसे कि अब्दुल्ला बिन सलाम, ठीक है, यहूद में से, उनके उलमा में से थे, और उन्होंने पहचाना कि ये वही नबी है जिनकी हमें जो है पहले से बताया गया था। तो वो इस तरह की निशानियों को देख के खुश होते हैं। और आपने ये एक सेकेंड दे दिया सर, आपने ये सीरत में पढ़ा है कि यहूद जो मदीना के यहूद थे वो वहां पे किसी चीज की तलाश में आए थे, तो जब वो तलाश में आए थे, जब उनको मिल गया जो में से जिन्होंने कबूल किया, उनको इस चीज की खुशी होती है। और उन्हीं में से कुछ ऐसे हैं जो इनकार कर देते हैं, और जिनके बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा, यारिफूना यारिफूना कमा यारिफूना अपना अहम, आपको ऐसे पहचानते हैं, नबी को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बच्चों को पहचानते हैं, अपनी औलाद को पहचानते हैं। इतने क्लियर उनके पास इंडिकेशन है, क्लियर सारी बातें, लेकिन फिर भी वो क्या कर गए, इनकार कर गए। जी आपको यहूद, सिर्फ यहूदी, अहल किताब, अहल किताब में नसारा भी हो सकते हैं, नसारा में से भी ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वल्लाह आलम मुझे नहीं पता कि उनके, लेकिन असल में जो जो जिक्र किया जाता है ना, जैसे आपने पढ़ा है कि एक तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लिनेज का भी एक डिफरेंस आ गया था, इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल और इस्माइल अलैहिस्सलाम से, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम की चेन में से थे, और जबकि बाकी जो अंबिया थे और मूसा अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के उसमें से थे। तो एक बाज का इख्तलाफ इस वजह से भी था कि ये वो लिनेज नहीं है। और अभी हाल में किसी ने बताया था कि क्रिश्चियंस में से भी और जो ये ज्यूज में से भी, इनके अभी भी कुछ लोग हैं वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर यह तोहमत बांधते हैं कि जो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे वो उनके जायज औलाद में से नहीं थे, तो वो इस वजह से भी कहते हैं कि इस वजह से भी हम इनका इनकार, ठीक है, तो यानी वो रीजंस बनाते हैं, ठीक है। बात ये कि वो यानी उनकी जब किताबों में है तो उनमें से जो उस किताब को जिस हद तक चाहते थे यानी फॉलो करना चाहते थे उनके लिए इंडिकेशंस थी, वो चाहते थे। अब उनको क्या था कि वो आके हमारी हेल्प करेंगे, और यहाँ पे पाया कि ये तो दूसरी कौम में से आ गए, हजरत ईसा थे, जी बिल्कुल, उनमें से उन्होंने इनकार किया, उनका भी इनकार किया। तो ये असल में मामला क्या है कि यहूद का, और ये जनरली यहूद का, हर जाहिर सी बात है हर यहूदी का नहीं कह सकते, उनमें से कुछ ईमान भी ले आते हैं, इस्लाम भी ले आते हैं, लेकिन यहूद का जनरल सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम को क्या, उन्होंने तो मूसा अलैहिस्सलाम की बातें भी नहीं मानी, अपने नबी की बात मान लेते, तो उन्होंने वहां पर भी नहीं मानी। तो उनकी उसके अंदर जो है वो ये इनाद है, नाफरमानी है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जब वो कुरान के वो हिस्से सुनते हैं जो उनको अपने मुआफिक लगते हैं तो उससे तो वो खुश हो जाते हैं, लेकिन जब वो बातें जो कि इनके खिलाफ जाती हैं तो फिर उससे वो उसका इनकार करते हैं। और दूसरा माना ये भी क्या गया कि जैसे यहूद में से जिन्होंने पहचाना और फिर उन्होंने क्या किया, असल में ये बात भी है कि हर वक्त हर यानी यहूद जो एक तो ओरिजिनल थे जिन्होंने फिर ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना भी पाया बाद में जो थे, लेकिन बाद में आने वालों ने ईसा अलैहिस्सलाम को तो नहीं पाया ना, उनको तो उनके बड़ों ने ही बताया कि भाई ये एक अलग दीन है, हमारा एक अलग दीन है, ठीक है, तो इस एतबार से उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं पाया। और मुसलमानों में भी खास कर ये बात है कि हम में से भी कुछ क्या होते हैं कि किताब का कुछ हिस्सा तो हमें अच्छा लगता है और किताब का कुछ हिस्सा होता है जो कि हमसे हजम नहीं होता। और इतने मतलब मशहूर वाकयात हैं और अभी तक ऐसे मामला थे कि कुछ जगहों पे जब किसी को जुमा पढ़ाने के लिए भेजा जाता है तो उसको बोला जाता है कि भाई इस मस्जिद में ना इस टॉपिक पे बात नहीं की जाएगा। वजह क्या है, क्योंकि जो मस्जिद के मैनेजमेंट के जो हेड हैं उनको अच्छा नहीं लगता। एक मस्जिद का पता चला था कि वहां पे सूद के बारे में बात नहीं की जाएगी क्योंकि मैनेजमेंट के हेड का सूद का काम है, तो और अगर कोई करेगा तो उनको अगली बार फिर बुलाएंगे नहीं। तो क्या है, कुछ हिस्सा हम कबूल कर लेते हैं, खासकर जो हिस्सा हमें अच्छा लगता है, मुनासिब लगता है, मुलायम लगता है, और फिर कुछ हिस्से पे हम इनकार ही हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, कुल, आप इनसे कह दीजिए, इन्नमा उमिरतु, बेशक उमिरतु, मुझे हुक्म दिया गया है, अन अअबुदल्लाह वला उशरिक बिह, मैं अल्लाह की इबादत करूँ, उसके साथ शरीक न करूँ। क्योंकि क्या होता था, मुनाफिकी ने भी ये तर्ज रहा था और अहले किताब में भी और मुशरिकी ने भी था कि वो क्या कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा मामला चेंज कर दें, थोड़ा सा तख़फीफ़ कर दें, थोड़ा सा अपनी उसमें जो है तब्दीली कर दें। तो अल्लाह ताला ने क्या कह दिया कि आपका काम क्या है, उनको पहुंचाना। आप उनको वाजे तौर पर कह दें कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे जो हुक्म दिया गया है वो मुझे ये हुक्म दिया गया कि मैं अल्लाह की इबादत करूँ, उसके साथ शरीक ना करूँ, जो उसका मैसेज है वो मैंने पूरा पूरा पहुंचाना है। इलैही अदउ, उसी की तरफ अदउ मैं पुकारता हूँ, वह इलैही मआब,
उसी की तरफ मेरा लौटना है, मेरा ठिकाना है, मैंने उसी की तरफ जाना है, तो मैं तुम्हारी मर्जी के हिसाब से, तुम्हारी ख्वाहिशात के हिसाब से इस दीन को तब्दील तो नहीं कर सकता। जो दीन मुझे जैसा मिला है मैं वैसे ही बयान करूंगा। वकदालिका अनज़लनाहु, इसी तरह हमने नाजिल किया इसको, किसको? कुरान को, हुक्मन अरबियन, अरबी जबान में हुक्म, अरबी जबान में फरमान। वला इन इत्तबाता, और ला इन अगर इत्तबाता आपने पैरवी की, अहवा अहम उनकी ख्वाहिशात की, बादा बाद इसके के माजा अका मिनल इल्म, इल्म में से जो आपके पास आ गया है, मालका मिनल्लाह मिन वली, आपके लिए कोई वली भी नहीं होगा, वला वाकिन बचाने वाला, वाकिन पहले भी आ गया था, पहले भी आ गया था। तो क्या बताया गया कि ये कुरान जो है ये अरबी जबान में नाजिल किया गया, क्योंकि अल्लाह ताला की सुनत यही रही है कि जिस कौम पे डायरेक्टली किताब नाजिल की जा रही होती है उन्हीं की जबान में होती है, तो आपको अरबी जबान में दिया गया और आपने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी। ये आपको कहते हैं ये तब्दील कर दे, इस तरह कर दे, इस तरह कर दे, आपने इस तरह की कोई चीज नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आप जब आपके पास इल्म आ गया तो अब आप इंसानों की ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा किया, और जब जाहिर सी बात है जब अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह खिताब करते हैं तो उसकी असल में हमें शिद्दत बताना होता है, नबी तो नहीं करेंगे, लेकिन तुम ए मुसलमानों जो बाद में इस किताब पे भी अमल कर रहे हो, तुमने भी अगर ये काम किया तो मा लकुम मिनल्लाहि मिन वलीयिन वला वाक, तुम्हारे लिए भी अल्लाह से बचाने वाले कोई वली नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो यानी तुम्हें भी मैसेज जो है वो पूरा के पूरा पहुंचाना है, हाँ अहसन तरीके से पहुंचाना है, अच्छे तरीके से पहुंचाना है, लेकिन ये नहीं कर सकते कि चूंकि इनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी या उनको वो बात अच्छी नहीं लगेगी तो उनको सिर्फ उतना ही दीन दो और उनको सिर्फ इतना ही दीन दो, अमीरों को अमीरों का दीन दो, गरीबों को गरीबों का दीन दो, ऐसा नहीं कर सकते। दीन जो है जिसने एक्सेप्ट करना है उसने पूरा के पूरा करना होगा। ये माने इंसान कि हाँ मेरी कमजोरी है, मेरी कोताही है, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, मुझे अपना ईमान बढ़ाने की कोशिश करनी है, लेकिन ये नहीं कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता तो मुझे ये बात बताई ना जाए, या मुझे वही हिस्सा बताया जाए जो मेरे मुआफिक हो, मेरे मिजाज के मुआफिक हो, मेरे उर्फ के मुआफिक हो। वलकद अरसलना मिन कब्लिका, और वलकद अरसलना रुसुलन मिन कब्लिका वजअलना लहुम अजवाजन, ज़ौज की जमा अजवाजन स्पाउसेस वाइव्स, वज़ुर्रियतन और औलाद, और औलादें टेक्निकली औलादें, वमा कान लिरसूल, नहीं लायक है किसी भी रसूल के लिए, अय्यातिया बिआयतिन, जब अता याति बा के साथ आता है तो उसे क्या माना करते हैं, ले आए, वो कोई ले आए, क्या ले आए, बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह, यानी एक नबी एक रसूल भी जो है वो कोई भी आयत कोई भी निशानी जो है वो अपनी मर्जी से नहीं ला सकता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इजाजत से हो सकता है। तो जब एक नबी भी ये नहीं कर सकता, और नबी से अगर एक इंसान तकाजा करे कि आप कर दें तो वो नबी अपनी मर्जी से भी नहीं कर सकता, तो फिर ये उम्मत में औलिया के एतबार से ये करामात कहाँ से आ गए? करामात भी मतलब करामात तो हक है, लेकिन इस तरह की करामात के जब दिल चाहता है वो करते हैं, और उनके हाथों में सब कुछ है और उनके कंट्रोल में सब कुछ है, और फिर नाम भी ऐसे देते हैं कि ये सब कुछ बख्शने वाले। अल्लाह ताला तो कुरान में कह रहे हैं कि एक नबी के लिए भी ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह की इजाजत के बगैर वो किसी तरह की निशानी लाए। लिकुल्ली अजलिन किताब, हर अजल हर फैसले के लिए हर वक्त के लिए क्या है, किताबुन, लिखा हुआ मुकर्रर वक्त है, मुकर्रर फैसला है। यमहू, महा यमहू का मतलब होता है मिटाना, अल्लाह मिटाता है, मा यशाउ जो वो चाहता है, वो युस्बित और वो साबित रखता है, कायम रखता है जिसको वो चाहता है, वो इंदहू उम्मुल किताब और उसके पास है उम्मुल किताब असल किताब, असल किताब, उस किताब का दूसरा नाम क्या बयान किया गया है, लौहुल महफूज, लौहुल महफूज, ठीक है। तो अल्लाह ने जो फैसले किए हैं उनमें से अल्लाह जिस फैसले को चाहता है बाकी रखता है, जिस फैसले को चाहता है खत्म कर देता है। इसी तरह आयात में से अल्लाह जिस आयत को चाहते हैं, जिस हुक्म को चाहता है बाकी रखता है, और जिस हुक्म को चाहता है खत्म कर देता है। इसका एक और नाम क्या हमने पढ़ा था, नस्ख, नस्ख, नासिख और मनसूख, अल्लाह जिस फैसले को चाहता है, जिस हुक्म को चाहता है मनसूख कर देता है, और जिसको चाहता है बाकी रखता है, और उसके पास जो है वो लौहुल महफूज है जिसमें ये सारे मामला सारी बातें अल्लाह ने पहले से लिख ली है। वह इम्मा नूरियत न का, और अगर कभी नूरियत न का हम दिखाएं आपको, बाबल्लदी नाईद हो उसका बाज जो के नाईद हो, वादा यईदू वादा करना,
हमने वादा किया या हम वादा करते हैं उनसे, यानी या तो हम आपको दिखा दें जिसका हमने उनसे वादा किया है, औ नतवफ्फयन्नका, या हम आपको वफात दे दें, यानी कि इनको हमने इनसे कुछ वादा किया है कि अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो तुमसे कुछ अजाब का वादा किया है। अब ये भी मुमकिन है कि आपकी जिंदगी में आपको उसमें से कुछ चीजें हम दिखा दें, यानी आपके हाथों या उनको वैसे ही कुछ अजाब हम दुनिया में दिखा दें, ये भी मुमकिन है। औ नतवफ्फयन्नक, या हम आपको उससे पहले ही उठा लें। तो ये अल्लाह बाउंड नहीं है इस चीज से। आपके ऊपर क्या है, फइन्नमा अलैकल बलाग, आप पर क्या है पहुंचाना है। क्योंकि मुसलमानों में भी क्या होता है, मुसलमानों की ख्वाहिश होती है कि हम कुफार के मुकाबले में मेहनत कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम उनको दावत और तबलीग कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, या हमारा उनसे वैसे ही आइडियोलॉजिकल इशू है, वो हम पर जुल्म करते हैं। मुसलमानों की क्या ख्वाहिश होती है कि अल्लाह हमारी जिंदगी में ही उनको कुछ ना कुछ तो अजाब दे, और जब ऐसा होता है तो खुशी होती है, चलो अल्लाह का शुक्र है कुछ उनके ऊपर दुनिया में भी आया। लेकिन अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि चाहे उनको तुम्हारे सामने हम दुनिया में कुछ दिखाएं या ना दिखाएं, तुम्हें तुम्हारा काम क्या है, पहुंचाना है, और हिसाब देना किसका काम है, वो हमारा काम है। तुम हिसाब में जल्दी नहीं करो, और तुम हिसाब को अपने हाथ में मत समझो। हो सकता है तुम्हारे जरिए अल्लाह ताला कुछ उनको सजा दे दे, और हो सकता है ना दे। तुमने अपने काम पे फोकस करना है, और वो क्या है, तुमने अच्छे तरीके से बलाग पहुंचाना है। अवलम यरौ, क्या नहीं देखा उन्होंने, अन्नतियल अर्वा, कि हम आते हैं जमीन को, कैसे आते हैं, नन उसुहा मिन अतराफिया, हम अन्ना तख्ती, के बेशक हम आते हैं जमीन को, क्या आते हैं, किस एतबार से आते हैं, नन उसुहा मिन अतराफिया, हम उसको कम कर रहे हैं उसकी साइडों से। और अक्सर मुफस्सिरीन ने इसका यही माना किया है कि मुराद क्या है कि मुशरिकीन कुफार की जो जमीनें हैं, मुसलमानों का जो है उस पर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गलबा हो रहा है, कब्जा हो रहा है, यानी उनके लिए रहने की जगह जो है वो तंग हो रही है, उनकी जमीन जो है वो छोटी हो रही है। कुछ हिस्सा जो है इसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी हुआ, कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा के जमाने में भी हुआ, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत के एतबार से कहा है कि आखिरत यानी दुनिया खत्म होने से पहले पहले क्या होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दीन जो है वो हर घर में घुसेगा, चाहे वो इख्तियार करें चाहे वो जबरदस्ती उन पर मुसल्लत किया जाए, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया पे जो है सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही होगा, ऐसा वक्त जिसमें कुफर उस वक्त नहीं होगा। जो मालूम है कि आखिरत के कुछ अलामात में से भी ये है कि हत्ता के लोग जो है वो सदका करने के लिए लोगों को ढूंढेंगे लेकिन कोई मिलेगा नहीं। अवलम यहकुम, और अल्लाह करता है, अल्लाह फैसला करता है, ला मुअक्किबा लिहुक्मिही, कोई पीछा करने वाला नहीं है उसके हुक्म का, कोई नजर सानी करने वाला नहीं है उसके हुक्म का। जब अल्लाह ने फैसला कर दिया तो कोई उसके हुक्म को तब्दील नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहुवा सरीउल हिसाब, और वो क्या है, सरीउल हिसाब है, सुरअ सुरअ तेज तेज है हिसाब है, और वो तेजी जो है वो हमारे एतबार से नहीं, अल्लाह के एतबार से। ठीक है, अल्लाह जब तक चाहता है मोहलत देता है, अल्लाह जब चाहता है पकड़ लेता है, किसी को हो सकता है दुनिया में पकड़ ले और किसी को हो सकता है आखिरत में पकड़ ले, लेकिन ये सारे मामलात अल्लाह के एतबार से कैसे हैं, सरीर, ये कोई बहुत ज्यादा लंबी मुद्दत नहीं है। इंसान को लगता है कि ये लंबी मुद्दत है लेकिन अल्लाह के नजदीक ये कोई खास मुद्दत नहीं है। वक़द मकरा, चाल चली, अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, उन लोगों ने जो इनसे पहले थे, यानी जो आपके जमाने में कर रहे हैं, इससे पहले भी लोगों ने क्या किया था, चालें चली थी, लेकिन मामला क्या है, फलिल्लाहिल मकरु जमीअ, असल तदबीर जो है वो सारी के सारी किसके लिए, अल्लाह के लिए। यानी आप परेशान ना हो किसी भी जमाने में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो है ही है, लेकिन किसी भी जमाने में मुसलमानों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि कुफार ने, मुशरिकीन ने, अल्लाह के दुश्मनों ने हमेशा हर जमाने में कुछ ना कुछ चालें चली है, लेकिन मामला क्या है, फलिल्लाहिल मकरु जमीअ, असल जो तदबीर है वाकईतन जो इम्प्लीमेंट होगी और जो एंड में आएगी वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। यअलमु मा तकसिबु कुल्लु नफ्स, कसब करना, कमाना, वो जानता है जो कमा रहा है हर नफ्स। वसयअलमुल कुफ्फारु, और अनकरीब कुफ्फार जान देंगे, लिमन, किसके लिए है, उकबदार, आखरत का घर या अच्छा अंजाम या इस दुनिया का अच्छा नतीजा कुफार जान लेंगे। ठीक है, अल्लाह तो जानता ही है, मोमिनीन मानते हैं, लेकिन कुफार जो है वो उसका इनकार कर रहे हैं तो वो भी अनकरीब जान लेंगे। वयकूलू अल्लज़ीना कफरू
लस्ता मुरसला, लस्ता क्या है, लस्ता का वाहिद असल क्या था, लैसा, लैसा अंता के लिए क्या आता है, लस्ता, लस्ता मुरसला, आप नहीं है भेजे गए। ये लैसा असल में किस चीज में से था, फेले नाकिस, फेले नाकिस का इसम कैसा होता है, मरफू होता है और उसकी खबर कैसी होती है, मनसूब। तो ये मुरसलन मनसूब क्यों है, लैसा की खबर है, लस्ता मुरसला आप नहीं है रसूल, ये कुफार का कहना है। कुल आप कह दीजिए कफा बिल्लाही शहीदा, ये नहीं कहा कि नहीं अब उनको कहे कि नहीं वाकईतन मैं रसूल, बल्कि क्या कहा, तुम नहीं मानते तो ना मानो, कफा बिल्लाही शहीदा, अल्लाह काफी है बतौर गवाह के, बैनी व बैनको, मेरे और तुम्हारे दरमियान, और मन इंदहु इल्मुल किताब, और वो भी जिसके पास किताब का इल्म हो, उसमें मोमिनीन भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है जिनके पास कुरान का इल्म है, और अहलुल किताब में से भी वो है जिनके पास वाकईतन उस किताब का इल्म था, और फिर उन्होंने उसके तकाजों के एतबार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीनों को कबूल भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तेजी से कुछ काफी हद तक तेजी से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम हम इन आयात से एक बार गुजर चुके हैं। आप उम्मीद है कि इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा इस पूरे साल में, और इस तदरीस के दौरान कुछ अगर कुछ गलतियाँ तो कुछ क्या, जाहिर सी बात है काफ़ी गलतियाँ हुई होगी, उसके लिए मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ। कुछ सीखा हो इंशाल्लाह तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबसे पहले उसका हमारी ज़िंदगी में जो है असर लाए, हमारी ज़िंदगी को बेहतर करे, और फिर हमें तौफीक दे के उस खैर को जो है हम दूसरों तक भी पहुँचाएँ इंशाल्लाह। कोशिश हमने यही करनी है कि ये सिर्फ एक एपिटाइजर के तौर पे हो, एक फ्लेवर के तौर पे हो, असल में तो इसकी तफासीर भी है, इसकी तफासीर भी है, और बाकी भी सूरतें हैं जिनको इंसान ने, मुसलमानों ने जो है समझना भी है और उस पर अमल भी करना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए ये सारे मामला जो है वो आसान कर, लस्ता मुरसला के आप नहीं हैं भेजे हुए रसूल नहीं। जी उन जिला मजूल गए उश्रिका काम है वाला उश्रिका, ये उश्रिका जो है मजहूल नहीं है क्योंकि ये उफ़ईला उस वजन पे है, अफ़ाला युफ़ईल, उश्रिको तो उसको भी होना चाहिए था, तो उन्जिला वो माजी का है, अनजला से मजहूल है उन्जिला, अनजला युन्जिलु से उन्जिला युन्जलु, मजीद ठीक है माजी का मजहूल है, और उश्रिका जो है ये अन की वजह से मनसूब है, ये मुजारे का सीगा है अना उश्रिकु, और अन की वजह से मंसूब हुआ हुआ है क्योंकि पीछे है ना उमिरतु अन, इस वजह से मंसूब हुआ। अच्छा जहां तक आपके इम्तिहान की बात है, एग्जाम की बात है, तो सूरह हूद अब नहीं कवर करेंगे इंशाल्लाह, सूरह यूसुफ और सूरतुर राद। अच्छा कवर किस तरह करनी है, ऑनलाइन की बात नहीं हो रही, ऑनलाइन का अलग मामला है, जिस तरह आपके असाइनमेंट था कुछ उसी तरह आपका पेपर आएगा, ऑन कैंपस की बात हो रही है कि सूरह यूसुफ से हमारी एक क्या एग्रीमेंट हुआ था, अमली नुकात, सिर्फ अमली नहीं इल्मी भी नुकात हो सकते हैं, अमली भी नुकात हो सकते हैं, आपने वो नुक्ते लिखने होंगे, यानी आपने क्या मैसेज अखज किया है, आपने आयत बतानी होगी, एक भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है आपकी मर्जी, वो आयत आपने नंबर लिखना होगा, और फिर उन आयत में से क्या लिखने होंगे, वो कलिमात, वो फ्रेजेस, कोई एक वर्ड भी हो सकता है, आयत पूरी भी हो सकती है, आयत का वो हिस्सा भी हो सकता है जो कि इस बात पर दलालत करता हो या जिससे आपने वो मैसेज अखज किया है। अब मैं हो सकता है 10 मार्क हो सकता है, 15 मार्क हो सकता है, 20 मार्क हो, ठीक है, तो आपने कोशिश क्या करनी है कि आप सूरत को जो है सही तरीके से आप पढ़ें। सूरह यूसुफ में तो एक ही मामला होगा, सूरत और रात में से मैं कोई बीच में सवाल भी कर सकता हूँ, बीच में से कि मतलब मिसाल के तौर पे इस सूरत में क्या मौसूआत जिक्र हुए हैं, या इस सूरत में कुफारों की क्या क्या सिफात जिक्र हुई है, या मोमिनीन की क्या सिफात जिक्र हुई है, मोमिनीन के लिए क्या वादे जिक्र हुए हैं, ठीक है। मुसहफ आप यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था मुसहफ आपके पास रह सकता है, सिर्फ और सिर्फ अरबी वाला तर्जुमा नहीं, ना जिसमें आपने कुछ लिखा हुआ हो, आपने कुछ लिखा हुआ होगा तो ये फिर ज्यादती हो जाएगी, ठीक है। मोबाइल भी कर सकते, मोबाइल ना करें तो बेहतर है, आप यहाँ पे अगर अगर नहीं होगा तो यहाँ क्या इदारे में मौजूद है, आपको मिल जाएगा, मोबाइल में फिर बस वो एग्जाम वाले मसला करेंगे कि, ठीक है, तो कोशिश करें यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मुसहफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मौजूद है। अच्छा और क्या पूछ सकता हूँ, और मैं आपसे पूछ सकता हूँ, मैं आपको जिस तरह मैंने हम एक असाइनमेंट में किया था कि एक मौजू दे दूँ और मैं आपसे पूछूँ कि ये किस आयत, किस जगह पे है, किस सूरत की कौन सी आयत में ये मौजू जिक्र हुआ हुआ है, ठीक है। तो अब चूंकि एग्जाम है
तो मैं नहीं जिक्र करूंगा कि सूरह यूसुफ की बात कर रहा हूँ, सूरह हुक रात की बात कर रहा हूँ, मैं कहीं से भी जिक्र कर सकता हूँ। आपने पूरा तर्जुमा पढ़ा हुआ होगा इंशाल्लाह, समझा हुआ होगा, तो आप इंशाल्लाह पहचान लेंगे कि ये बात कहाँ पे हुई थी। ठीक है, ये होगा। और मैं कुछ सीगे हो सकता है आपको जिक्र कर दूं और मैं कहूं कि बताइए किस चीज का सीगा है, या फिर हो सकता है कि मैं कहूं कि इस ये सीगे की एक एग्जाम्पल जो है वो इन आयात में से कोई ढूंढ के बताए। मिसाल के तौर पर मैं कह दूंगा कि इसमु तफजील सूरह यूसुफ, सूरह यूसुफ और सूरह रात में से इसमु तफजील की कोई मिसाल आयत नंबर के साथ देखें। मुबालगे का कह सकता हूँ, ठीक है, फेल नाकिस का हो सकता है, हर्फ मुशब्बा बिल फेल का हो सकता है, इसमें मौसूल का हो सकता है। हमने कहा था लास्ट सेमेस्टर में कवर किया था यार, चले खैर इसको मंडे को देख लेंगे। बट पॉइंट भी कि इस तरह मैं आपसे सीगा पूछ भी सकता हूँ, कोई आयत का हिस्सा दे दिया या कोई वर्ड दे दिया और उसने पूछा कि ये क्या चीज़ है, फेल है तो फेल का क्या सीगा है, वो इंशाल्लाह मंडे को और देख लेंगे। या फिर मैं आपको खुद कह सकता हूँ कि ये वाली इसकी कोई एग्जाम्पल बयान करेंगे। और जो एक और चीज़ होगी वो आयत का तर्जुमा होगा कि कुछ आयात होगी और उसमें से आपको तर्जुमा करना होगा। तर्जुमे में कोशिश यही कीजिएगा कि जिस हद तक मुमकिन हो ग्रामर के एतबार को आप फॉलो करें, जिस हद तक आपके लिए मुमकिन हो या जो चीज़ें हमने पढ़ी भी है उसमें कम से कम जो है जिस हद तक मुमकिन हो उन चीज़ों को फॉलो करें। ठीक है, फिर भी ज़्यादा भी हमारे पास कुछ दिन है, आप मंडे तक कुछ चीज़ों को हो सके तो देख लीजिएगा, कोई सवालात वगैरह हो तो डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। अदरवाइज जो कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस बता रहा हूँ और अरबी के कुछ चीज़ों की रिविजन जो है हम इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ चीज़ें वाजी हो गई है, अगर सुना है कि अगर आपको जो कुछ समझा है उसको सही तरीके, जो कुछ पढ़ा है उसको सही तरीके से समझने की, उस पर अमल करने की और उसको दूसरे तक अच्छे तरीके से पहुँचाने की तौफीक। अजवाज सिर्फ वाइफ के लिए नहीं होता, अजवाज हस्बैंड्स के लिए भी होता है, लेकिन उस इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में चूंकि रसूलों की बात हो रही थी और रसूल सिर्फ और सिर्फ मर्द ही आए हैं, तो यहाँ पे अजवाज से मुराद जो है वो सिर्फ बीवियाँ हैं। ठीक है, अरसलना रसूलन, हमने रसूलों को भेजा, चूंकि रसूल सिर्फ मर्द रहे हैं तो इसलिए अजवाज की यहाँ पे मुराद जो है वो बीवियां ही होगी, लेकिन वैसे जौज का वर्ड और अजवाज का वर्ड जो है वो स्पाउस के लिए होता है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए भी हो सकता है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। I pray that all the Muslims will benefit from this work and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim Online team and volunteers who participated in it in any way. Amin.